गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आवाज़ आ रही है क्या मेरी? हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस, आवाज़ आ रही है क्या? एक बार मेरे को क्लियर कर दो। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चरा जादू नहीं दिखेगा क्या? हद हो गई तुम्हारी नालायक को। यहाँ मैं कब से क्लास चालू होने का वेट कर रहा हूँ और तुम लोगों को जादू की पड़ी है। वाह, चलो भाई साहब आ जाओ फटाफट, फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी आ जाओ। अरे मैं लेट होता ही नहीं बेटा, मैं यहीं पे खड़ा रहता हूँ, मैं कहीं नहीं गया था, ठीक है ना? मैं यहीं था। वो चालू होने में कई बार जल्दी हो जाता है, कई बार लेट हो जाता है, ठीक है ना? तो चालू हुआ तो फिर मैं उठ गया। अभी तक मैं बैठा 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 था तब से यहाँ पे, क्या करूँ, कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। चलिए भाई साहब बताइए। सब लोगों को बुलाओ फटाफट फटाफट। अरे जल्दी आओ यार, तुम नालायक को, इतनी लेट लेट आते हो, फिर बोलते सर आप लेट आए। अब मेरे को तो चालू होने में टाइम लग जाता है, तुम्हारे को क्या करना है? तुमको तो सिर्फ मोबाइल चालू करना है। मेरा समझ में आता मैं लेट हो गया, ऊपर नीचे हो गया तो, कि सर चालू होने में टाइम लग गया या जो भी था, तुम नालायकों को क्यों लेटूंगा, नहीं होना चाहिए। चलो भाई सबको मेरे तरफ से हैप्पी दशहरा, ठीक है ना? आप सभी को हैप्पी दशहरा, ठीक है ना? आप भी मतलब थोड़ा सा राम जी की जैसा बनो, रावण जैसा ना बनो तो अच्छा, राम जी जैसा बनो, ठीक है ना? उनकी जैसा डेडिकेशन, उनकी जैसी चीज़ें आप करो जीवन में, और अपने एग्ज़ाम्स और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो, और अपने एग्ज़ाम्स में आप एक्सेल करो, ठीक है ना? यही मेरी आप लोगों के लिए क्या है, दुआएं है। हैप्पी दशहरा गाइस टू ऑल ऑफ यू। चलिए, सो मेरे को पता है आज त्यौहार है, बट त्यौहार है तो क्या हुआ, आज हमको भी पढ़ना है, जोरदार पढ़ना है, ठीक है? जोरदार तरीके से आज हमको क्या करना है, पढ़ना है। चैट में भी देखूंगा नहीं, ठीक है? एक बात हमने कल करे थे, तो फिर मैंने उसके ऊपर बहुत विचार किया, और वो विचार में फिर मैंने ये पाया कि हम यार एक काम करते हैं ना, ये जो नेशनल बॉडीज है ना, नीति, आरबीआई, वैसे भी आरबीआई तो हमने पढ़ी रखी है, बट स्टिल नीति, आरबीआई, सेबी, सीसीआई, आईईबी, ठीक है ना? ये सारी चीज़ें, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, तो हमने ऑलरेडी कहाँ पे पढ़ लिए थे, आपको याद होगा तो, ये तो ऑलरेडी हमारा लीगल अफेयर्स में हो चुका है, ठीक है ना? ये वाला पार्ट हमारा ऑलरेडी लीगल अफेयर्स में हो चुका है, तो आईसीएसआई जो है वो हमारा लीगल अफेयर्स में ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन ये जो पांच चीजें हैं, वैसे तो आरबीआई भी हो गया है, लेकिन स्टिल ये जो पांच चीजें हैं, नीति आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया और इब्बी, इसको हम लोग यार बिजनेस इन्वायरमेंट में ही पढ़ते हैं। ज्यादा बेटर है कि इसको हम कहाँ ही पढ़ते हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट में ही पढ़ते हैं, ठीक है ना? वहां पे आप लोगों को मैं इसको पढ़ा के दूंगा डीट अच्छे से, वहां पे हम पढ़ेंगे तो आपको मजा भी आएंगी, ठीक है ना? तो इसको वहां पे, क्योंकि वहां पे एक ऐसा चैप्टर है पूरा का पूरा, तो बट ऑब्वियस ही बात है उसको इज्जत तो देनी पड़ेगी वहां पे, तो उसको हम लोग कहाँ पे ही पढ़ते हैं, आपके बिजनेस इन्वायरमेंट में ही पढ़ते हैं। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस बात से कि हम लोग इसको बिजनेस इन्वायरमेंट के साथ ही पढ़ेंगे, तो ठीक है? अरे मेरे को एक बार बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को इसको बिजनेस इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे तो? इसको हम बिजनेस इन्वायरमेंट के साथ करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार मेरे को प्लीज बोल दो। अरे बता दो फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। इसको हम करेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट के साथ, ओके, नो प्रॉब्लम, क्योंकि वहां पे यार पूरा टाइम अच्छा खासा मिलेगा हम लोगों को, चैप्टर ही है तो वहां पे अच्छे से पढ़ेंगे, और थोड़ा सा कंटेंट वहां पे मतलब ज्यादा ही मिलेगा, कम तो मिलेगा नहीं, यही कंटेंट है वैसे देखा जाए तो, लेकिन थोड़ा सा एक दो पॉइंट ज्यादा ही होंगे, तो उसको हम वहां पे पढ़ते हैं। मैंने कल बहुत विचार किया उसके ऊपर, फिर मेरे को ये लगा कि यार बेटर है कि वहीं पर इसको पढ़ते हैं, क्लियर? चलिए, ये देखो नेशनल बॉडीज अभी हम नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि हम इसको कहाँ पे पढ़ने वाले हैं, करंट अफेयर, बिजनेस इन्वायरमेंट के साथ पढ़ने वाले हैं, क्लियर? तो आ जाता हूँ अब थोड़ा सा ना, अब जो पार्ट है ना ये चैप्टर का, उसमें थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि बीच बीच में मेरे को ई बुलेटिन क्या करनी पड़ेंगी, उठानी पड़ेंगी, तो आई रिक्वेस्ट थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि इसके पीछे अब नेशनल बॉडीज के बाद हमको आगे बढ़ते हैं, तो इसके पीछे आपको देखोगे तो ओलंपिक्स वगैरह की बातें दी हुई है, बट उसके पहले एक सिर्फ G7 है, डायरेक्टली G7 पे आ जाओ। G20 तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, आईसीएसआई भी हम पढ़ रखे हैं, तो हमको सिर्फ एक G7 पढ़ना है, एक G7 जो है वो हम लोग अभी पढ़ेंगे। G20 हमारा पढ़ के हो चुका है, ठीक
लास्ट क्लास में G20 मैंने पढ़ाया था, नेशनल बॉडी जो है वो हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ। मैं बार 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 बोल रहा हूँ ताकि बार बार आप लोग वो चीज़ें मेरे से ना पूछे, ठीक है ना। बट G7 अभी हमको पढ़ना है, तो G7 हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, तो समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस में आता है, सबसे पहले आता है G7 समिट। अब ये क्या चीज़ है भाई, जैसे G20 बनी उसके अंदर ग्लोबल 20 कंट्रीज का समावेश है, ठीक है ना, उसी तरीके से वर्ल्ड की टॉप 7 कंट्रीज, या राधा मैं बोल सकता हूँ वर्ल्ड की टॉप 7 कंट्रीज जो है, इंडस्ट्रियल कंट्रीज जो है, उन लोगों ने मिलके क्या करा था एक समय में, इन 1973, ठीक है ना, उन लोगों ने क्या करा था, इन 1973 एक मीटिंग ली थी। ध्यान से सुनना, अभी मैंने कोई ये नहीं बताया कि G7 बना कब था, मैं क्या बता रहा हूँ, 1973 में एक बहुत बड़ा ऑयल शॉक आया था हमारे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है ना। ये बहुत बड़े ऑयल शॉक के बाद 1973 में इन बड़ी बड़ी कंट्रीज ने मिलकर एक मीटिंग ली थी, ठीक है ना, और वहाँ पे एक इनने फॉर्म करी थी G7 ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज या ग्लोबल 7 कंट्रीज, ठीक है ना, या टॉप 7 कंट्रीज भी आप इनको बोल सकते हैं वर्ल्ड की। तो उस समय इन लोगों ने क्या करा था, ये चीज़ चालू करी थी। उस समय तो ये लोग 6 ही कंट्रीज में मिलकर चालू किया था, दैट इज US, UK, फ्रांस, जर्मनी, जापान और इटली। इन लोगों ने एक मीटिंग ली थी और मीटिंग लेके क्या करी थी, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करी थी, सेटअप करी थी, ठीक है ना। तो ओरिजिनली अगर मैं बात करूँ तो 1975 में ये बना है, 1973 में ऑयल शॉक हुआ था, ऑयल शॉक होने के बाद बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए थे, तो जिस वजह से इन्होंने 1975 में G7 का क्या किया था, गठन किया था। तो 1973 में ऑयल शॉक आने की वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा आ गए, जिसकी वजह से 1975 में, तो ये याद रखना कि इसका बर्थ ईयर G7 का 1975 है, तो 1975 में क्या किया था, G7 की गठन स्थापना की थी। तो 1975 में G7 क्या हुआ था, बना था, क्लियर, ठीक है। पहले 6 कंट्रीज थी, बाद में 1976 में कनाडा ने भी इसमें शामिल हो गए थे, तो उसके बाद ये क्या बन गया, G7 बन गया, ठीक है ना। तो दी 6 कंट्रीज वेयर जॉइंड बाय कनाडा इन 1976, पहले 6 कंट्रीज थी, बाद में 7वीं कंट्री कनाडा आ गई 1976 में। फिर उसके बाद अगर मैं आपको बोलूं तो रशिया जो था वो भी ये ग्रुप का पार्ट बना, तो उसके बाद क्या हो गया सर, अब 7 कंट्रीज तो हो चुकी थी, तो हम उसको G7 तो नहीं बुला सकते थे, क्योंकि रशिया उसका क्या बन गया, पार्ट बन गया, तो रशिया भी उसका पार्ट बना। लेकिन बाद में क्या हुआ, रशिया को वो चीज़ छोड़नी पड़ी, ठीक है ना, रशिया जो था, रशिया को ये चीज़ क्या करनी पड़ी, छोड़नी पड़ी, वो छोड़नी पड़ी 2014 में, यानी 1998 में रशिया बना, बिकम्स द मेंबर ऑफ G7 ग्रुप। तो उसके बाद रशिया के आने के बाद से वो कहलाने लग गया G8 ग्रुप, क्या कहलाने लग गया वो, G8 ग्रुप। बट रशिया के कुछ इश्यूज की वजह से रशिया को वो ग्रुप क्या करना पड़ा, छोड़ना पड़ा, तो 2014 में रशिया ने वो ग्रुप को क्या कर दिया था, लीव कर दिया था। तो रशिया ज्वाइन द ग्रुप विच देन बिकम नोन एज G8 इन 1998, बट वॉज सस्पेंडेड इन 2014 आफ्टर इट एनेक्स क्रीमिया फ्रॉम यूक्रेन। वो क्रीमिया फ्रॉम यूक्रेन का पॉइंट था, उसकी वजह से उसको छोड़ना पड़ा था। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 2014 में क्या करना पड़ा था, रशिया को ये चीज, ये ग्रुप छोड़ना पड़ा था। तो ये ना अगेन वो क्या बन गया, G7 ग्रुप बन गया। तुम लोग बोलोगे कि सर इंडिया भी तो आज की तारीख में टॉप 5 कंट्रीज में आता है GDP के मामले में अगर देखा जाए, लेकिन उस समय नहीं आता था ना जब ये ग्रुप फॉर्म हुआ था। तो सर आज की तारीख में क्या G7 ग्रुप का इंडिया मेंबर नहीं बन सकता, नहीं बन सकता है, लेकिन अभी है नहीं, G7 ग्रुप का इंडिया आज की तारीख में मेंबर नहीं है। बट वर्ल्ड लेवल पे ये डिस्कशन स्टार्टेड है, वर्ल्ड लेवल पे डिस्कशन चालू है कि ये G7 ग्रुप को चेंज करके हम G10 ग्रुप करा देते, ठीक है ना, इसको G10 कर दे, G7 की जगह इसको हम क्या कर दे, G10 कर दे, और G10 में इंडिया का भी नाम क्या होने वाला है, शामिल होने वाला है। अभी ऐसी कुछ बनी नहीं है, मैं बता रहा हूं तुम्हारे को, आई एम जस्ट टेलिंग यू, ठीक है ना, अभी हुआ नहीं है कुछ फाइनल, ठीक है ना, डिस्कशन स्टार्टेड है वर्ल्ड लेवल पे। वर्ल्ड अपडेट्स की अगर मैं बात करूँ तो वर्ल्ड लेवल पे G10 के ऊपर बातें स्टार्टेड है, ठीक है ना, मोदी जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है ऐसा बोला जाता है, तो वो उनकी वजह से अब इंडिया को भी G10 में क्या करने की बात हो रही है, शामिल करने की बात हो रही है। मतलब G10 जो ग्रुप बनेगा नया वाला, ये 7 कंट्रीज तो रहेंगी, इनके अलावा 2-3 कंट्रीज और रहेंगी, इस तरीके से G10 ग्रुप बनेगा, क्लियर, यस और नो। करंट मेंबर्स अगर मैं बात करूं तो USA, UK है, फ्रांस है, इटली है, जापान है, ठीक है ना। अगर मैं करंट मेंबर्स की बात करूं तो ये सारे ग्रुप्स क्या है, उसके करंट मेंबर्स है, ठीक है। अगर मैं किसकी बात करूं, करंट मेंबर्स की बात करूं, एक मिनट गई था, अगर मैं किसकी बात करूं, करंट मेंबर्स की बात करूं तो क्लियर,
The group regards itself as a community of values with freedom and human right, democracy and rule of law, prosperity, sustainable development. ये सब उसके क्या मेन फीचर्स है, आपको क्या याद रखना है वो बता दे रहा हूँ. इसके समिट्स हर साल होते हैं. इसके समिट्स कहाँ कहाँ कब कब हुए थे हमारे को वो याद रखना पड़ेगा. 2019 में इसका जो समिट था वो हुआ था फ्रांस में. 2020 में जो इसका समिट था वो हुआ था यूएस में. 2021 का जो समिट था वो हुआ था इसका यूके में. तो 2019 का जो समिट था वो समिट हुआ था फ्रांस में. 2020 का जो समिट था वो हुआ था यूएस में. और 2021 का जो समिट थे वो कहां पे हुआ था इसका, यूके में हुआ था. क्लियर. इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था फाइनेंशियल फ्रीडम को पकड़ना, ठीक है ना. इसका मेन ऑब्जेक्टिव था फाइनेंशियल फ्रीडम को पकड़ना. तो ये लोगों ने क्या करे, वो ऑयल शॉक हुआ था, वो ऑयल शॉक के बाद जो फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, तो भाई एक दूसरे की हम ये ग्रुप बना के क्या करेंगे, मदद करेंगे, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें करेंगे. इसीलिए इसका मेन ऑब्जेक्टिव वही था. और बाद में फिर धीरे 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 ये बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स को बीच में लेके आए, फ्रीडम, ह्यूमन राइट्स, ठीक है ना, डेमोक्रेसी, इस तरीके से, ठीक है ना. यानी इनके ग्रुप का ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल था, क्योंकि ऑयल शॉक हुआ था, फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, तो उस वजह से इनको क्या करा गया था, बनाया गया था. क्लियर. हाँ, मैं यहाँ पे ये बोलूंगा कि इन सात कंट्रीज के नाम तुमको याद रखने पड़ेंगे, यूएस, यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ठीक है ना, फ्रांस, ये आपको याद रखने पड़ेंगे. अगर मैं बोलूँ तो बहुत आसान है, यूएस और कनाडा आजू बाजू है. अगर आपको पता होगा, तो आप घूमने का शौक रखते होंगे, तो आपको पता होगा यूएस और कनाडा आजू बाजू है. यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये सब आसपास है, ठीक है ना. तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं. सार्थक क्या बोल रहा है भाई, तो सार्थक चावड़ा सर आप वनिस क्यों बोलते हो, मैं समझा नहीं तेरी बात. वनिस मतलब क्या होता भाई, इतना ही नहीं पता मेरे को भाई तुम्हारी लैंग्वेज क्या है. क्लियर. इतना नहीं पता मेरे को. क्या बात है, आज तो डिसलाइक की भरमार लगा दी तुम लोगों ने. क्या बात है, लाइक वाइक तो कर ही नहीं रहे आज, बोला नहीं मैंने तो. ठीक है भाई, देखो मैंने एक चीज़, अभी कुछ नए बच्चे ज्वाइन हुए होंगे, क्योंकि पहले पहले बहुत सारे बच्चे नहीं थे, अभी बहुत सारे बच्चे ज्वाइन हुए हैं, तो मैं एक चीज़ उनको क्लियर करता हूँ कि हम लोगों ने डिस्कस किया है और डिसाइड किया है कि जो हमारा नेशनल अफेयर वाला पार्ट है, ठीक है ना, सॉरी नेशनल बॉडीज वाला पार्ट है, मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, नेशनल बॉडीज वाला जो हमारा पार्ट है वो हम लोग बिजनेस एनवायरमेंट के साथ पढ़ने वाले हैं. RBI, SEBI, CCI, IBBI, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हम कहाँ पढ़ने वाले हैं, आपके बिजनेस एनवायरमेंट में, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी मिक्स है, चैप्टर सेम है, तो वहाँ पे हम उसको क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले. तो इसीलिए मैंने अभी क्या स्टार्ट किया था, G7 स्टार्ट किया था. क्लियर. चलो ओके. सो अभी आपको कुछ इसके समिट के बारे में बातें बता देता हूँ, क्योंकि 2019 के समिट के बारे में बातें दी हुई है इसकी. 45th समिट G7 ऑल्सो नोन एज ग्रुप ऑफ सेवन वॉज हेल्ड इन बियर्ट्स, फ्रांस में सिटी है, वहाँ पे हुआ था फ्रांस की, 24 से लेके 26 अगस्त तक, ठीक है ना. उसकी थीम थी कम्बैटिंग इनइक्वालिटी. अब इनकी थीम जो थी उस समय की वो क्या थी, उसकी अगर मैं थीम बताऊँ आपको, तो उसकी थीम थी कम्बैटिंग इनइक्वालिटी. आपको समझते हैं कम्बैटिंग इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है. कम्बैटिंग इनइक्वालिटी मतलब आज की तारीख में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी कंट्री में ही चल, कंट्री के वर्ल्ड में ही चल रही है, कि हमारे यहाँ पे इनइक्वालिटी बहुत है अलग अलग केसेस में, अमीर गरीब, ठीक है ना, पैसे के मामले में, रहन सहन के मामले में, कपड़ों के मामले में, बहुत सारी चीज़ें हैं भाई. तो ऑलवेज हम ये चाहते हैं, ऑलवेज सबका ये इंटेंशन रहता है कि भाई साहब जो पीपल्स है वर्ल्ड के वो क्या रहे, इक्वल लेवल पर है. तो किस तरीके से हम इनइक्वालिटी से लड़ सकते हैं, किस तरीके से इनइक्वालिटी से लड़ा जा सकता है, ये सब उसकी क्या है, डिस्कशंस यहां पे दिए हुए. क्लियर क्लियर. Following five objectives were identified in the France summit, fighting inequality of opportunity, promoting particular gender inequality. सबसे ज़्यादा जो problem है gender inequality का, तो gender inequality होनी चाहिए, access education का हो या health services का हो, सबको equal level पे मिलना चाहिए. उसके अंदर लड़का है लड़की है ये discussion करना ही बेवकूफ़ी है. मतलब ये discussion ही क्यों करते हैं लोग, मेरे को आज तक समझ भी नहीं आया, बट ठीक है, ठीक है ना, लड़का है लड़की है, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, gender irrelevant है, ठीक है ना, gender को matter ही नहीं करता है तुम्हारे जीवन के लिए, ठीक है ना, मतलब पढ़ने के लिए. तुम ये नहीं बोल सकते कि लड़का है नहीं इसको ही पढ़ेगा, बस लड़का है टॉप पे जाएगा, काहे को भाई, लड़की भी तो जा सकती है ना, क्यों लड़की नहीं जा सकती, लड़की है तो कितनी टॉप पे जाती है आजकल, उसमें कोई गलत बात थोड़ी ना है, लड़का भी अच्छा है लड़की भी अच्छी है. तो
इनइक्वालिटी, जो जेंडर इनइक्वालिटी हो रही है उसके ऊपर डिस्कशन यहाँ पे हुआ था। उसके बाद एनवायरमेंटल इनइक्वालिटीज हो रही है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई, प्लांट्स को प्रिजर्व करने की बात करते हैं, ओशियन को प्रिजर्व करने की बात करते हैं, और उस तरीके से ऐसा चीजें हो नहीं पाती, तो वो चीजों के ऊपर डिस्कशन हुआ। स्ट्रेंथनिंग द सोशल डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो रूट फेयर एंड इक्विटेबल ट्रेड टैक्स, जो भाई सोशल डायमेंशन से वर्ल्ड लेवल पे ग्लोबलाइजेशन के अंदर, उसके अंदर फेयर टैक्स, इक्विटेबल ट्रेड टैक्स, सबको सारी चीजों की क्या मिले, अपॉर्चुनिटी मिले। टेकिंग एक्शन फॉर पीस अगेंस्ट सिक्योरिटी थ्रेट टेररिज्म, इनके अगेंस्ट में टेररिज्म हो गया, इन सबके अगेंस्ट में क्या लिया जाए, एक्शन लिया जाए, ठीक है ना। सबको अपॉर्चुनिटीज मिले डिजिटल टेक्नोलॉजी की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो ये सारी चीजों के बारे में वहाँ पे क्या हुई थी, बात हुई थी। यानी मेन उनका इंटेंशन ही, डिस्कशन ही थीम का क्या था, कॉम्बैटिंग इनइक्वालिटी। और जब कॉम्बैटिंग इनइक्वालिटी उनका मेन इंटेंशन था, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि कॉम्बैटिंग इनइक्वालिटी अगर उनका मेन इंटेंशन था, तो वो सारी चीजों की इनइक्वालिटीज के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। क्लियर। आज थोड़ा सा शायद मेरे बैकग्राउंड में आप लोगों को नॉइज आ रहा होगा, बट कुछ नहीं कर सकते, आज दशहरा है, मैं लोगों को नहीं रोक सकता, हम पढ़ेंगे लेकिन लोगों को हम, मैं नहीं रोक सकता हूं, ठीक है ना। अब यहां तक अगर कोई डाउट है तो मेरे को एक बार बता दो। इसमें थोड़ा सा मैं एक चीज और बता देता हूं कि हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को भी बुलाया गया था 10 साल के गैप के बाद, ठीक है ना। हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी बुलाया गया था, सिर्फ अटेंड करने के लिए इनवाइट किया गया था, मेंबर नहीं है, अटेंड करने के लिए इनवाइट किया गया था। पहले 10 साल पहले मनमोहन सिंह जी को किया गया था, 10 साल बाद मोदी जी को किया गया। अभी जो भी आपके डाउट्स हैं, मैं एक मिनट डाउट्स दे लेता हूँ थोड़े से, फिर मैं आगे बात करूंगा, नहीं तो फिर डाउट्स रह जाएंगे ना। थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ेंगे, आराम से चलेंगे। गेमर्स भाई, ठीक है सर, आपके लाइफ में अभी तक भूल नहीं है, ठीक है सर। वन समिट कहाँ हुआ, ऐसे क्वेश्चन क्यों क्वेश्चन पूछे, मतलब समझे नहीं, समिट कहाँ हुआ ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कीर्ति, बिल्कुल पूछेंगे। अरे तुम क्या डिस्कशन कर रहे, डाउट पूछो ना यार। हाँ भाई गेमर्स, यस इट इज ट्रू, यस एक्चुअली में इट इज ट्रू कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो मैराथन और बूस्टर करके भी पास हुए हैं। यस आई एम नॉट लाइंग, मतलब मेरे पास स्क्रीन शॉट ढूंढना पड़ेंगे, मिल जाएंगे, वो आपको मैं दिखा दूंगा। मैं नहीं बोलता, बच्चे हमको बताते तो वही मैं बोलता हूँ। हाँ बिल्कुल भुवनेश्वरी बेटा, दीपांशी G20 फॉर 20 कंट्रीज है, उनके चीजें अलग है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए बनाया गया था G20। ये फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी, उसके बाद से टॉप 7 कंट्रीज ने अपना एक अलग से ग्रुप बना के रख लिया, ठीक है ना, और वो हर चीजों के ऊपर डिस्कशन करते हैं उनकी कंट्रीज से रिलेटेड। हाँ मनमोहन सिंह जी हॉस्पिटल में, मतलब हम प्रे करेंगे उनकी हेल्थ के लिए कि जल्दी ठीक हो जाए वो। मैं इंग्लिश में नहीं पढ़ा सकता भाई, क्योंकि मेजॉरिटी क्राउड यहाँ पे हिंदी वाला होता है यार, तो आई एम रियली सॉरी कि मैं इंग्लिश में नहीं पढ़ा सकता, आई एम रियली सॉरी। कोई मिक्स नहीं होता है श्वेता, सिंपल है, G7 अलग है, G20 अलग है, कोई मिक्स करने की जरूरत नहीं है। G20 फॉर वर्ल्ड 20 कंट्रीज, वहाँ पे 85% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी का जो पार्ट है वो G20 कंट्रीज के पास है, ठीक है ना, 75% ऑफ द ट्रेड वो लोग होल्ड करते हैं। G7 में ऐसा कुछ भी हमने नहीं पढ़े, सिर्फ G7 में आपको याद रखना है तो आप सिर्फ उसकी मेंबर कंट्रीज याद रख सकते हैं, और ज़्यादा में ज़्यादा उसके समिट जो हुए थे वो याद रख सकते हैं बस, मतलब 21 का समिट कहाँ पे हुआ था बस ये याद रख सकते हैं, इसके अलावा आपको कुछ और याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ऑयल शॉक कैसे हुआ था, मतलब बहुत बड़ा इशू हुआ था, उसको नहीं डिस्कस कर सकते यार अभिषेक, एक बार तू सर्च करेंगे गूगल पे देखो मिलेगा, ठीक है ना, अभी यहाँ पे नहीं डिस्कस कर पाऊंगा मैं, सॉरी यार उसके लिए, हिस्ट्री इतनी बड़ी डिस्कस करूंगा तो तुमको दिक्कत होगी बाकी पढ़ने में, अभी एग्जाम्स टाइम्स के टाइम पे हम नहीं कर पाएंगे इसको, आगे का भी बताऊंगा फिर। हाँ उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता जी, सर जिनने पहले पढ़े हुए उनके लिए ऐसा हो गया कि सर अब बस कर दो हमारा बहुत हो गया, ठीक है भाई, वो उनके लिए, मैं तो भाई मेहनत कर रहा हूँ सबके लिए एक जैसी, मैं तो चाहता हूँ कि तुम लोग पास हो अच्छे मार्क्स से। खैर अब मैं आ जाता हूँ मुद्दे पे, आ जाओ G20 समिट, ये सर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ से पढ़ने की जरूरत नहीं, अगर आपको लगता है तो आप सिर्फ सेल्फ रीड कर सकते हैं, जबरदस्ती इसके ऊपर अपना टाइम वेस्ट करके कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो आपको भी घर में भी मैं बोलूंगा अभी एग्जाम टाइम पे, अगर आपने एक बार सेल्फ रीड कर लिए तो भी चलेगा, नहीं भी करें तो भी चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, वही वही घुमा फिरा के बातें लिख के दी हुई है और कुछ भी नहीं लिख के दिया हुआ है। तो हमने जितना G20 में पहले पढ़े वही आप लोगों के लिए रिलेवेंट है, यहाँ पे इतनी चीज़ें कोई रिलेवेंट नहीं है, तो ये चीज़ आप नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये दो पेज में अगर आपको पढ़ने की बहुत इच्छा होगी तो आप G20 पढ़ सकते हैं, बट मेरे को लगता नहीं है कि पढ़ना चाहिए,
अगर आपकी फिर भी इच्छा होगी तो आप पढ़ सकते हैं, मैं उसके लिए मना नहीं करूंगा और ना रोकूंगा। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है सेल्फ रीड, इफ यू वॉन्ट यू कैन, बट इट इज नॉट रिलीवेंट फॉर द एग्जाम नाउ, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी जितना हमने पढ़ा है वही रिलीवेंट है एग्जाम्स के लिए। सो बेटर है कि वो ना ही पढ़े हम। अब कुछ पुराने पुराने कॉन्फ्रेंसेस दिए हुए जो मैंने पहले भी कटवाया था, फटाफट काटते चलो, फटाफट काटते चलो। हाँ, जो लोग पढ़ के आए वो बहुत अच्छा है। हाँ आकाश भाई निकल जाएगा, अगर बिजनेस इन्वायरमेंट में बढ़िया मार्क्स मिले तुम्हारे को 25 में से, तो तुम्हारा इको निकल जाएगा, क्योंकि दोनों के मार्क्स साथ में आएंगे। 21 वाली सबमिट मैंने लिख के दिया ना बेटा, G7 की 20 वाली सबमिट यूके में हुई थी, ये देख लो लिखा के दिया, ये देखो लिख लो 21 वाली सबमिट यूके, यूनाइटेड किंगडम, 2020 की यूएस और 2019 की फ्रांस, बता दिया भाई। ये काटो, ये बहुत पुरानी चीज है, काम की नहीं है। अरे काटो, चलिए ये भी काटो, सब पुरानी पुरानी बातें हैं, चार पांच कटेंगे यहाँ पे, अभी कोई काम का नहीं है। 2019 की न्यूज़ दी हुई है, 2020 की पढ़ने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, 21 की सॉरी। आ जाओ भाई बिजनेस पर्सनालिटीज़ के ऊपर, एक 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 करके बिजनेस पर्सनालिटीज़ की हम बात करते हैं, एक एक बिजनेस पर्सनालिटीज़ हम डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा आज का लेक्चर आखिरी तक जरूर अटेंड करना, क्योंकि ये खत्म होने के बाद मैं बुलेटिन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि जहाँ कटवाना था मैंने कटवा दिया है। ठीक है, तो प्लीज़ आज का लेक्चर आखिरी तक अटेंड करना, थोड़ा लंबा भी चल सकता है आज का लेक्चर, बट मैं थोड़े से बुलेटिन भी डिस्कस करूंगा, जैसे हमारी जुलाई की बुलेटिन हो चुकी है, एंड आई ट्राई कि आज मैं अगस्त और सितंबर दोनों बुलेटिन क्या करूँ, कंप्लीट करूँ, अगस्त भी और सितंबर भी, मेरा ये रहेंगी रिक्वेस्ट। तो आज मैं अगस्त और सितंबर की दोनों बुलेटिन करूँगा ही करूँगा, सो आई रिक्वेस्ट प्लीज़। और 2021 का बजट हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट चालू होते ही उसके साथ हम 2021 का बजट की पूरी कर लेंगे, उसकी बुलेटिन्स आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं या मैं आपको दे दूंगा, ठीक है ना, उसके नोट्स या उसकी बुलेटिन्स मैं आप लोगों को ग्रुप में सेंड करवा दूंगा आज 2021 के बजट के, लेकिन वो हम दो तीन दिन बाद करेंगे। आप सब लोग पहले उसके नोट्स वोट्स डाउनलोड कर लो, फिर हम वो करेंगे। तो प्लीज़ आज आखिरी तक बैठना, मेरी रिक्वेस्ट है, नहीं तो फिर मेरे को बाद में मत बोलना। अरे बताया तो लीना भाई, बताया तो रही है लीना थीम। चलिए कुछ बिजनेस पर्सनालिटीज के बारे में दिया हुआ है। मुकेश अंबानी कौन है भाई, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए बंदे हैं, आज की तारीख में टॉप अमीरों के अंदर आते हैं वर्ल्ड लेवल पे। इंडिया में तो आज की तारीख में उनसे ज़्यादा कोई अमीर नहीं है, इंडिया में तो सबसे ज़्यादा अमीर वही है मुकेश अंबानी आज की तारीख में, ठीक है ना। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है उनका, केमिकल इंजीनियरिंग उनने की है, बाद में उनने फिर MBA किया हुआ है, और फिर अपने पापा का बिजनेस को उन्हें बहुत ज़्यादा हद तक क्या करा, आज की तारीख में आगे बढ़ाया है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि इनको पप्पा की कमाई भी मिली तो भी लड़के ने बहुत उसको क्या करा, कई गुना मल्टीप्लाई करा, ठीक है ना। पप्पा इंडिया लेवल पर सबसे अमीर थे, बेटा जो है वो वर्ल्ड लेवल अमीरों की गिनती में आज की तारीख में आता है, ठीक है ना। तो आज की तारीख में अगर रिलायंस या हमारे कंट्री के लिए बिजनेस में अगर कोई बहुत बड़ा फेस है तो यस, वो मुकेश अंबानी है। यस, दिस इज द पर्सन जो आज की तारीख में हमारी कंट्री के लिए क्या है, बिजनेस फेस है वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है। हाँ, अदानी जी अभी बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, पहले इतने नहीं थे, अभी वो एक दो सालों में बड़े हैं। उसके बाद आते हैं अजीम प्रेम जी, मतलब अंदर से रिस्पेक्ट है बंदे के लिए। मतलब विप्रो आपने नाम सुना होगा, जैसे इंफोसिस एक कंपनी वैसी एक विप्रो कंपनी है सॉफ्टवेयर की, उसके ये चेयरमैन है, विप्रो ग्रुप के ये क्या है, चेयरमैन है, ठीक है ना, विप्रो ग्रुप विप्रो लिमिटेड के ये क्या है भाई साहब, चेयरमैन है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा इनके बारे में, इसलिए इनके लिए अंदर से रिस्पेक्ट निकलती है, क्योंकि भाई साहब कितना डोनेशन, मतलब मुकेश अंबानी क्या कोई भी बिजनेस पर्सनैलिटी वर्ल्ड के अंदर इतना बड़ा डोनेशन नहीं करती होंगी जितना अजीम प्रेम जी अपनी वेल्थ के अंदर से डोनेशन करते हैं। मतलब अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के थ्रू ये इतने लेवल तक क्या करते हैं, डोनेशन करते हैं, जिसकी आप सीमा सोच भी नहीं सकते। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इंडिया के अंदर या वर्ल्ड के अंदर टॉप डोनर्स की अगर लिस्ट है तो उसके अंदर सबसे पहले इनका नाम आएगा, इतना ज़्यादा डोनेशन कौन करते हैं, अजीम प्रेम जी करते हैं। मतलब अपने जिंदा रहते रहते मेजॉरिटी ऑफ दी वेल्थ ये क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, उसको अच्छे अच्छे कामों में, अलग अलग कामों में क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो इनके बारे में भी आपको पता होना जरूरी है। रटन डाटा क्या होना चाहिए था यहाँ पे, हम नहीं दिया तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में नहीं है मॉड्यूल बनाना, इंस्टीट्यूट ने बनाया है। उसके बाद रटन डाटा जी के बारे में देना चाहिए था। यस, कुमार मंगलम बिरला, ही इज द चेयरमैन ऑफ आदित्य बिरला ग्रुप, अभी रिसेंट में काफ़ी न्यूज़ में थे, आपने देखे होंगे तो आइडिया ग्रुप जो है अपना फ़ोन वाला, आइडिया वोडाफोन जो अभी हुआ है, उसके भी चेयरमैन यही है,
ठीक है ना, तो उनकी इनकी ग्रुप है, बट वो आइडिया कंपनी बंद होने पे आ गई, बट इनका कोई एक ही बिजनेस नहीं है कुमार मंगलम बिरला का, इनके और भी बहुत सारे क्या है अलग अलग बिजनेस है, आदित्य बिरला ग्रुप बहुत बड़ा है, तो आइडिया इज वन ऑफ द क्या बोलते हैं उनका बिजनेस, जो अभी थोड़ा सा बीच में बहुत डाउन हो गया था, लेकिन अभी धीरे धीरे वापस से क्या हो रहा है वो रिकवर हो रहा है, तो उसके भी ये क्या है चेयरमैन है, तो कुमार मंगलम बिरला। टिम कुक कौन है भाई, एप्पल आपकी फेवरेट कंपनी, सीईओ है एप्पल के, इनके बारे में भाई कहा जाता है कि जब इनके पहले जो स्टीव जॉब्स हुआ करते थे, ठीक है ना, ये स्टीव जॉब के सक्सेसर है, स्टीव जॉब जो हुआ करते थे उनके बाद सीईओ बनाए गए टिम कुक को, तो उस समय बड़ी दिक्कत आ रही थी ये बात की कि भाई अब एप्पल कंपनी बंद हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी, एप्पल के अंदर न्यू इनोवेशन ही नहीं होंगे, नई चीज़ें ही नहीं ला पाएंगे, टिम कुक क्या ये सब संभाल पाएंगे, ऐसी बहुत सारी बातें उठी थी, बट यस इनने एप्पल 12, एप्पल 11 और ऐसी बहुत सारी चीज़ें ला के ये प्रूफ कर दिया कि यस किसी के जाने से दुनिया नहीं रुकती है, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट यस मतलब टिम कुक सॉरी स्टीव जॉब्स इज द बेस्ट पर्सनैलिटी, बट यस उनके जाने से दुनिया नहीं रुकी, नहीं तो लोगों ने ये मान लिया था कि एप्पल कंपनी बंद हो जाएंगी, ठीक है ना, तो टिम कुक इज द पर्सन। बिल गेट्स आज की तारीख में तो चेयरमैन नहीं है इसलिए काट सकते हो आप, यस गेट्स फाउंडेशन वगैरह के चेयरमैन होंगे लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन नहीं है, एक बार मेरे को प्लीज बताओगे कि माइक्रोसॉफ्ट के करंट में चेयरमैन कौन है, माइक्रोसॉफ्ट के करंट में चेयरमैन कौन है, आई वॉन्ट टू नो दी आंसर, माइक्रोसॉफ्ट के करंट में चेयरमैन कौन है, माइक्रोसॉफ्ट के आज की तारीख में चेयरमैन कौन है, मेरे को चैट में आप लोग बताओगे क्या, क्या बात है, बच्चे ने एकदम करेक्ट लिखा, सत्य नडेला इज द चेयर न्यू चेयरमैन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, यस माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन चेंज हो चुके हैं, बिल गेट्स हमारे बिल्लू भाई क्या नहीं है चेयरमैन, नहीं है। एलन मस्क भाई साहब इनके काम करने के अच्छे जितना ये काम करते हैं ना, तुमने उसका सिर्फ अगर सिर्फ और सिर्फ 10% या 20% भी पढ़ लिया है ना, तो भाई तुम तो रैंकर्स की लिस्ट में रहोगे, मतलब चाहे एग्जीक्यूटिव में या फाइनल की बात करो, तुम रैंकर्स की लिस्ट में रहोगे भाई, क्या बंदा है भाई, ऑफिस में सो जाता है, क्या बोलूँ अब मैं तुम्हारे को, फैक्ट्री में सो जाता है, ऑफिस में सो जाता है, इतना बड़ा आदमी, ठीक है ना। एलन मस्क टेस्ला पेपाल स्पेसएक्स क्या नहीं लॉन्च किया इसने, और बर्बाद होके नीचे से ऊपर आया हुआ बंदा है, और एकदम मतलब आप इनकी हिस्ट्री पढ़ोगे ना, तो कोई पीछे इनके गॉडफादर्स नहीं थे कि इनके वजह से उनकी वजह से ये बड़े हैं, तो भाई साहब बोल सकते हैं कि खुद की बनी बंदा बनाया हुआ है, खुद के जीवन में रिस्क ले लेके आज तक की तारीख में यहाँ तक पहुँचा है। यार मैं तुम्हारे को भी हमेशा ये सिखाने की कोशिश करता हूँ और तुम्हारे को हमेशा ये बात मैं बोलता हूँ कि तुम लोग ना हमेशा ये चीज़ याद रख लो कि अभी जो तुम पोजिशन पे हो, ठीक है, आज की तारीख में ये टेक्नोलॉजी आ गई है, ये सब चीज़ें आ गई है, तो तुम लोगों के पास ऑप्शन है चैट करते रहना, ये करते रहना, वो करते रहना, ठीक है ना। बट मैंने एक चीज़ देखा है, जब हम पढ़ते थे तो आई रिमेम्बर उस समय हम भी ये सोचा करते थे कि साला इतना बड़ा हम बढ़ पाएंगे, हम तो यही सोचते थे जो मास्टर हमको पढ़ा रहा है क्या हम यहाँ तक पहुँच पाएंगे क्या, छोड़ दो एलन मस्क वगैरह को, ये जो मास्टर हमको पढ़ा रहा है चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो भी सीईओ हुआ करते थे जो हमको पढ़ाते थे, क्या हम इनके लेवल तक भी पहुँच पाएंगे, हमको लगता था नहीं यार अपने से कहाँ होगा, ये तो बहुत क्या इतना पढ़े, ये तो इनने ये कर लिया, उनने वो कर लिए, हम यहीं पे आज के थे, मतलब आई रिमेंबर वही फैकल्टीज जिनसे जिनके साथ मैंने पढ़ा था उनके साथ मैंने पढ़ाया भी हूँ एक ज़माने में आगे पहले कुछ टाइम पहले, तो अभी तो नहीं पहले, अभी तो ऐसा कोई नहीं है, लेकिन पहले जिनके साथ मैंने पढ़ाया हूँ उनके साथ मैं पढ़ा उनसे मैं पढ़ा भी हूँ। सो लाइफ में जितना तुम वर्क हार्ड करोगे ना उतना तुम आगे बढ़ोगे, ठीक है ना। अभी तुमको कुछ नहीं लगता है, ये तुम्हारी एज क्या है, चैट मारो चकलस करो, आज की तारीख में तो मैं देखता हूँ ना दिन भर चैट मारो, इसकी बुराई करो, इसको रोस्ट करो, उसको रोस्ट करो, इसी में आधा जीवन खराब कर रहे हो बच्चे लोग। मतलब हमने एलन मस्क से सीखना चाहिए कि बंदा कितनी दूर की सोचता है, तुम जितना दूर की सोचोगे उतना तुम्हारे जीवन में क्या होगा, तुमको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, दूसरों की बुराई दूसरों के ऊपर बातें करना ये वो सब चलते रहेगा। मैंने अभी रिजल्ट आया ना तो देखा, खुद दो चार बच्चे वो हमेशा ऐसे रहते, नहीं सर आपने ऐसा नहीं करे, सर वैसा नहीं करे, कुछ नहीं कर सकते उनका, बट 90% मेजोरिटी बच्चे आज उनके टॉप मार्क्स आए उसका रीज़न ही ये है कि वो लोगों ने सारी बात माने। मैं ये नहीं बोल रहा कि हमारी मेहनत है, सब उनकी मेहनत है, लेकिन उनने ये सारी चीज़ें मेहनत हार्डवर्क करे, तो इनसे ये सीखो तुम एलन मस्क से कि हार्डवर्क किस तरीके से किया जाता है, घंटे नहीं गिने जाते, एक घंटा दो घंटा चार घंटा पढ़ लिया ऐसा नहीं हुआ, ये बंदा दिन रात काम करता है, दिन रात।
एंड आई एम ऑल्सो नॉट कंपेयरिंग माई सेल्फ विथ हिम. बहुत बड़ी बात है, मैं नहीं कंपेयर कर सकता, मैं भी इतना काम शायद नहीं करता हूँ. आई गेटिंग माई पॉइंट? तो सीखना चाहिए. खैर बाकी तुम्हारी इच्छा, बाकी तो तुमको लग रहा होगा कि सर क्या भाषण देना चालू कर दिए, बट यस ये भाषण तुमको अभी काम थोड़ा सा शायद याद ना आए, बट 3 साल बाद या 2 साल बाद 100% याद आएंगे. मेरी बात है, ये फैक्ट है, अब लिख के रख लो, ठीक है ना. उसके बाद आता है वॉरेन बफेट. अब वॉरेन बफेट साहब भाई विजार्ड ऑफ ओमाहा, इनकी एक बर्थ प्लेस है ओमाहा, उनको बोला जाता है. ये बंदे ने कुछ मतलब सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग से इन्वेस्टमेंट कर करके, इन्वेस्टमेंट कर करके, अच्छी अच्छी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर करके ये बंदे ने अरबों रुपए कमाए हैं. और एक टाइम ऐसा था कि वर्ल्ड के सेकेंड टॉप, वर्ल्ड के सेकेंड नंबर पे अगर कोई आता था अमीरों की लिस्ट में तो वो आते थे वॉरेन बफेट. आज भी टॉप वर्ल्ड की अमीरों की लिस्ट में आते हैं, ये आई एम नॉट नहीं आते, बट सेकेंड नंबर पे अभी नहीं है, सेकेंड नंबर पे ये नहीं है. लेकिन यस एक समय था जब ये सेकेंड नंबर पे भी आते थे. इनने एक चीज बहुत क्लियर बोली है भाई, इतने बड़े फिलेंथ्रोपिस्ट है ये भी, कि अब मैं जब मर जाऊँ तो बोले मेरे 99% जो वेल्थ है आज तक की, जितनी भी मैंने अक्यूमुलेट करी है, जितनी भी कमाई है, वो सब दान कर दी जाए. 99% ऑफ दी वेल्थ क्या कर दी जाए? दान कर दी जाए मेरे मरने के बाद. क्या बात, लोग जिंदगी भर कमाया. हाँ वो क्रिप्टो करेंसी में एलन मस्क ने पहले डाला, बाद में निकाला, लोगों को बनाया, पैसे कमाया. अब वो तो यार बिजनेस माइंड पीपल है ना, बंदा अब अपना अपना कमाएंगे सब, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, हम उसकी मेहनत की बात कर रहे हैं. नरेंद्र मोदी जी कौन है? हमारी कंट्री के फर्स्ट एवर प्राइम मिनिस्टर जो वॉन हुए थे आफ्टर इंडिपेंडेंस. फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नहीं है नरेंद्र मोदी जी, वो फर्स्ट ऐसे प्राइम मिनिस्टर है जो इंडिपेंडेंस के बाद पैदा हुए. मतलब आज तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स थे वो इंडिपेंडेंस के पहले पैदा हुए थे. तो 2014 में उनने चुनाव जीता, 2019 में उनने चुनाव जीता, अराउंड अप्रोक्सीमेटली 13 साल वो क्या थे, चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर है गुजरात के वो, ठीक है ना. 13 साल तक वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, उसके बाद 5 साल और 5 अभी 10 कौन सा साल, अराउंड 7 साल हो चुके हैं उनको एज अ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना. मतलब वो टर्म पूरा करेंगे अभी, तो उसके बाद क्या होता है मालूम नहीं. उनको राइटिंग लिखना पसंद है, योगा पसंद है, बंदा सिर्फ 3-3.5 घंटे सोता है. तुम बोलते ना सूरज सर आप मोदी जी की बहुत तारीफ करते, मैं उनकी एक बात पे जरूर तारीफ करता हूँ कि भाई 3 घंटे कोई बंदा कैसे सो सकता है. कोई बंदा वर्ल्ड में अगर जा रहा है लीडर बन के तो वो प्लेन में ही नहा धो लेता है, प्लेन में ही सब कुछ कर लेता है, और कहीं प्लेन रुकने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मतलब कहीं उतर के. नहीं तो पहले इतने इतने लोगों को लेके जाया जाता था, ये फैक्ट है. मतलब ही वॉज लाइक अ नॉर्मल पर्सन. जैसे हम नहीं क्या भाई अभी काम से निकले, व्यास से मेरे को कहीं काम से जाना है, तो काम से जा रहे तो हम क्या करते, जितना कॉस्ट कम लगे उतना अच्छा ही सोचने की कोशिश करते. वो बंदा भी यही सोचता कि मैं फॉरेन जा रहा हूँ, हम बोलते 10 बार फॉरेन जा रहे, 50 बार जा रहे, बट इंटरनेशनल लेवल पर ये सारी चीज़ें रहती है. तुमने खुद देखे G20 समिट हर साल होती है, ऐसे कई सारी समिट हर साल होती रहती है, उसके लिए जाना पड़ता ही है, देर इज नो सेकेंड ऑप्शन. बट उसमें कितनी कम कॉस्ट लग रही है वो भी तो एक आप देखने वाली बात है. तो खैर इसके लिए थोड़ी सी रिस्पेक्ट मोदी जी के लिए निकलती है, बाकी तो फिर सबकी अपनी अपनी सोच है, सब अपने अपने हिसाब से चलते हैं. कुछ लोग गाली भी मारते हैं, कुछ काम उन्हें गलत भी करे होंगे शायद, हो सकता है. ये डोनाल्ड ट्रंप अभी इनके बारे में पढ़ना ही नहीं है, हिट हिस्ट्री बन चुकी है ये. यानी हिट बोलना गलत हो गया, बट यस नाउ डोनाल्ड ट्रंप इज हिस्ट्री. पता नहीं फ्यूचर में फिर से चुन के आ जाए, भरोसा नहीं है, बट मतलब बंदे ने क्या हरकत कर दी थी आखिरी तक. तो इनके बारे में भी पढ़ के फायदा नहीं है. ये जब दिया गया था वो यूएस के क्या थे, प्रेसिडेंट है. आज की तारीख में यूएस के प्रेसिडेंट जो है वो कौन है, जोई बिडन साहब है. क्लियर? तो आज की तारीख में जो यूएस के प्रेसिडेंट है वो कौन है, जोई बिडन साहब है. तो भाई ये सारी चीज़ें ये पढ़ के फायदा नहीं है, पढ़ना भी नहीं है. हाउडी मोदी रखवाया था उनने, कोई मतलब नहीं है. हाँ ये एक थोड़ी सी लाइन याद रख लेना, राजनाथ सिंह जो हमारी कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर है, राजनाथ सिंह जी जो हमारी कंट्री के क्या है, डिफेंस मिनिस्टर है, ठीक है ना, वो फर्स्ट ऐसे डिफेंस मिनिस्टर है आज तक की तारीख में जिनने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मतलब LCA तेजस को क्या करा है, उड़ाया है. मतलब आज तक की हिस्ट्री है कि आज तक किसी ने, कोई भी डिफेंस मिनिस्टर ने ऐसा कोई प्लेन वगैरह नहीं उड़ाया है. तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है LCA तेजस, वो फर्स्ट एवर डिफेंस मिनिस्टर बने राजनाथ सिंह जी हिस्ट्री में, जिन्हें LCA तेजस क्या किया है, फ्लाई किया है. मतलब बहुत बड़ी बात होगी, अभी तक ऐसा कोई डिफेंस मिनिस्टर बने नहीं थे, ठीक है ना. कम ये पुरानी न्यूज़ दी हुई, देखो तुम बोलते होंगे ना सर आप क्यों नहीं बता रहे, पुरानी न्यूज़ दी हुई है.
ठीक है ना, कमर्शियल रोल आउट ऑफ जियो फाइबर। अबे कितने टाइम हो गए, 2019 में उन्होंने रोल आउट कर दिए थे, 2019 से मेरे भी नेट अभी जियो पे चल रहा है, ठीक है ना, जियो फाइबर पे चल रहा है नेट भी मेरा पूरा, तो वो ऑलरेडी हो चुका है ना भाई, पुरानी बातें हो चुकी है, उस समय इंपॉर्टेंट, उस समय रिलेवेंट ही जब मॉडल छपी थी, बट अभी नहीं है। क्लियर? इसके ऊपर से आते हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम पास इसमें आप लोगों का नहीं कराना पसंद करूँगा, ठीक है ना, नहीं तो ऐसे टाइम पास कराते रहूँगा ना तो आप लोगों को समझ में कुछ नहीं आएगा, फिर मतलब नहीं रहेगा पढ़ने का, इसलिए जहाँ जहाँ मैं मार्क करवाया हुआ वहीं वहीं पढ़ो। ये चैप्टर का एक चीज़ उसको याद रखना है, स्टार्टिंग में तो हमने पूरा पूरा पढ़े है, सब कुछ हमको पूरा पढ़ना है, लेकिन ये जो पीछे का पार्ट आता है ना इसमें बहुत सारी चीज़ें इररिलेवेंट है, ठीक है ना, तो वो दिमाग उसके ऊपर ज़्यादा लगाना नहीं, जितना मैंने मार्क किया है उतना उतना पढ़ लिए, सफिशियंट है, मोर देन इनफ है। अभी ये जो मैं बुक्स के नाम पढ़ाऊंगा ये भी जितना मैंने मार्क करा हुआ है उतना ही पढ़ना, दैट्स इट, सफिशियंट है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें अभी हमारे पास पढ़ने के लिए है, तो इसके जरूरत नहीं है, बुलेटिन्स पढ़ेंगे इसकी जगह, ज़्यादा बेटर है बुलेटिन्स पढ़ना। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आता है करम योद्धा ग्रंथ ऑन द लाइफ ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी, करम योद्धा ग्रंथ ऑन द लाइफ ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी। भाई एक बुक बनाई गई करम योद्धा ग्रंथ, जिसको अमित शाह जी ने नहीं लिखा था, अमित शाह जी ने इसको रिलीज किया था, किसकी लाइफ के ऊपर बनाई गई, पीएम मोदी की लाइफ के ऊपर बनाई गई। भाई किस तरीके से ये बंदे ने एक चाय वाला बंदा होकर आज देश का क्या बन गया है, प्राइम मिनिस्टर बन गया। ये कुछ मैं कितना भी बोल झुटकार दूं मोदी जी के बारे में, हम कितना भी उनको बोल दें, बट ये तो फैक्ट है ना भाई, कोई चाय वाला आज टॉप पे पहुंच के बैठा है, ये तो फैक्ट है यार, इसमें झूठ क्या है, इसमें कोई झूठ नहीं है। हम अगर बाकी चीज़ों को इग्नोर भी करें तो ये फैक्ट है मोदी जी के बारे में, बाकी तो फिर सबकी अपनी अपनी सोच है। ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं, मोदी जी क्या, उनके अलावा भी बहुत सारे लीडर्स हैं जो एकदम जीरो से स्टार्ट होकर कहाँ तक पहुँच गए, ये फैक्ट है। लीडर्स है, बिजनेस पर्सनैलिटीज है, यस। भूख होनी चाहिए बस, तुम्हारे में भूख है ना, अगर कुछ पाने की कुछ कर दिखाने की तो तुम सब कुछ कर जाओगे। तुम्हारे में भूख नहीं है ना, तुम ठंडे बस्ते वाले बंदे हो ना, क्या चल रहा है भाई, चलने दो ना, क्या है अपने को, है ना, बकर हो रही है, होने दो हमको, क्या है। तो भाई तुम्हारी लाइफ हमेशा सेटल होके रह जाएगी, तुम कभी कुछ अलग नहीं कर पाओगे। खैर, तो यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी रिलीज बुक ऑन द मोदीज लाइफ, दैट इज करम योद्धा ग्रंथ, ऑन जनवरी 7, 2020 को बुक रिलीज हुई थी। आपको सिर्फ नाम भी याद रख लिया अपने तो चलेगा, कि पीएम नरेंद्र मोदी जी की लाइफ पे करम योद्धा ग्रंथ बुक क्या हुई थी, लॉन्च हुई थी, आपने इतना भी याद रख लिया तो दैट इज मोर देन इनफ एंड सफिशियंट। उसके बाद टर्बुलेंस एंड ट्रंप द मोदीज ईयर, किस तरीके से जो मोदी साहब के जो ईयर्स है कामकाज के वो किस तरीके से थे, तो टर्बुलेंस एंड ट्रंप करके एक राहुल अग्रवाल और भारतीय प्रधान ने क्या लिखी है, बुक लिखी है उनके लाइफ, उनके कार्यकाल पे, ये उनके लाइफ पे हो गई, ये बुक जो हो गई उनके लाइफ पे हो गई, ये जो बुक है उनके मतलब जो पीरियड में वो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है ना, उस पीरियड के लिए इसके अंदर क्या लिखी हुई है, बातें लिखी हुई है किस तरीके से उन्होंने कामकाज किए हैं। वीर सावरकर जी मतलब बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर हमारी कंट्री के लिए, ठीक है ना, विनायक दामोदर सावरकर साहब, ठीक है ना, मतलब बेस्ट पर्सनैलिटी, इनका जो जन्म था वो 1883 में हुआ था, 1924 में इनकी डेथ हो गई, ठीक है ना, तो उनकी लाइफ के ऊपर, ठीक है ना, एक विक्रम संपत करके बंदा है, उसने क्या लिखी है, बुक लिखी है। मैं प्लीज़ बोलूँगा कि आप इनकी लाइफ की जो बुक है अगर कभी टाइम मिले तो जीवन में प्लीज़ पढ़ लेना, ठीक है ना, कभी भी अगर आपको जीवन में कुछ टाइम मिले तो प्लीज़ कुछ नहीं पढ़ना तो इनकी एक लाइफ के ऊपर जो बुक है ये वो पढ़ना, बट आपकी मर्ज़ी बाकी है। तो इनकी लाइफ के ऊपर ये बुक क्या करी गई, विनायक संपत साहब ने क्या करी है, लिखी है सावरकर, ठीक है ना, उनके ऊपर बुक है 1883 से लेके उनके डेथ ईयर तक विक्रम संपत द्वारा ये बुक बनाई गई। बाकी तो फिर नॉर्मल बुक है, हमारे वेंकैया नायडू साहब जो है उन्हें लिसनिंग लर्निंग लीडिंग के ऊपर बात करी थी बुक की, वो लिखी है, वो कुछ काम की नहीं है। आदि शंकराचार्य ने बुक लिखी है, काम की नहीं है, ये सब काम की नहीं है। सिर्फ इसके अंदर क्या याद रखूंगे तो ये एक बुक मार्क कर लो, मैं दोबारा मार्क करा के दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे को लगा था एक दो जगह से इसके क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं रेगुलर बेसिस पे देखते रहता हूँ कि कहाँ से आपको लोगों को और क्या एडिशन बता दूँ, तो ये मार्क करके रखो। एक करम योद्धा ग्रंथ जो मोदी जी के लाइफ के ऊपर लिखी हुई है, ठीक है ना, टर्बुलेंस एंड ट्रम्प्स मोदीज ईयर्स मतलब जो मोदी जी के कार्यकाल के ऊपर लिखी हुई है, सावरकर साहब जो है सावरकर साहब जी की लाइफ पे जो बुक लिखी हुई है, ठीक है ना, वो है किसने लिखी है, विक्रम संपत ने, सावरकर वो बुक का क्या है, नाम ही बुक का है सावरकर, ठीक है ना, तो उनके ऊपर लिखी हुई है। फिर फ्रीडम फाइटर फिलोसोफर विनायक दामोदर सावरकर उनके लाइफ पे लिखी हुई है। तो आई रिक्वेस्ट ये तीन बुक के नाम आपको याद रखने हैं। हाँ, सीएसईटी होने के बाद पढ़ना ना, अभी भले ही नहीं चलेगा, अभी तो एक महीना सिर्फ सीएसईटी पढ़ लो। चलिए
अब ये स्पोर्ट्स को ना मैं थोड़ा सा बुलेटिन के लिए रख लेता हूँ, ये जो स्पोर्ट्स दिया हुआ है ना, स्पोर्ट्स वाला कॉलम जो है ना मैं बुलेटिन के लिए रख लेता हूँ, कि स्पोर्ट्स के अंदर की जो बातें हैं ना वो हम क्या में पढ़ लेंगे, बुलेटिन में पढ़ लेंगे। एक काम करेंगे हम स्पोर्ट्स के ऊपर की जो भी बातें हैं, क्योंकि भाई साहब स्पोर्ट्स के अंदर दो दो स्पोर्ट्स हो चुके हैं, ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स, ठीक है ना, करंट ईयर में हुए हैं, अभी रिसेंट में हुए हैं, तुम्हारे नवंबर एग्जाम वॉज दी फर्स्ट एग्जाम जिसके अंदर उसके जिसके पहले वो इवेंट्स हुए हैं। तो ये जो स्पोर्ट्स हो चुके हैं ना, यहाँ पे जो स्पोर्ट्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है ना, ये आपके कोई काम के नहीं है, ये आपका आईपीएल इनके लिए दिए हुए हैं, ठीक है ना। अब आईपीएल कोई मतलब नहीं रहा, पुराने सॉरी आईपीएल बोल रहा हूँ, वर्ल्ड कप 2019 इसके बारे में दिया है, आईसीसी का क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019, ठीक है ना, उसके बारे में बकर दी हुई है, ठीक है ना, क्रिकेट अवार्ड्स के बारे में बकर दी हुई है। भाई साहब पुराने हो चुके, पागल वागल लेके इंस्टीट्यूट ये पूछेगा, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, पुराने अपडेट्स है, ठीक है ना। 2019 में बहुत इंपॉर्टेंट है, उस समय वर्ल्ड कप हुआ था, अभी क्या हुआ है, रिसेंट में ओलंपिक हुआ है, पैरालंपिक हुआ है, तो भाई वो पढ़ना है, मैंने पहले लिखा था इसके अंदर, इफ यू वांट यू कैन रीड, ठीक है ना, इफ यू वांट यू कैन रीड, बट अब मैं बोलूंगा इफ यू वांट उसके बाद भी तुम रीड मत करो, टाइम पास मत करो, क्योंकि बहुत सारा हमारे को ओलंपिक्स भी है पूरा और पैरालंपिक्स भी है, तो वो बहुत सारा पढ़ना है। तो अगर स्पोर्ट्स के अंदर से कुछ आता है तो 101% ये श्योर है कि वो ओलंपिक्स या पैरालंपिक्स में से ही क्या करेंगे, पूछेंगे, उसके अलावा कोई सेंस नहीं बनता और कहीं पूछने का। हाँ, ज़्यादा में ज़्यादा अभी विराट कोहली जी ने अपनी जो ये थी अपनी क्या बोलते कैप्टनसी छोड़ी है, कहाँ से छोड़ी है, अपने कौन से रॉयल बेंगलोर वाले जो टीम है, मैं देखता नहीं हूँ ज़्यादा आईपीएल, वहाँ से अपनी कैप्टनसी छोड़ी है, तो ज़्यादा में ज़्यादा वो पूछ सकते, ठीक है ना। बट मेरे हिसाब से उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स, क्योंकि उसके अंदर हमारी कंट्रीज ने बहुत ज़्यादा मेडल्स भी लाई है, गोल्ड मेडल भी आया है इस बार, तो यस इज्जत तो मिलनी चाहिए, तो बुक्स वाले भी उसको इज्जत देंगे। क्लियर? हाँ, आज फाइनल वाइनल है, मैं इतना देखता नहीं हूँ। ठीक है, मैं इतना देखता नहीं हूँ आईपीएल वगैरह, मेरे को नहीं इतना मतलब बस टाइम नहीं मिलता यार, और ना पसंद भी, सही बताओ तो नहीं है। तो ये हम पढ़ने वाले ओलंपिक गेम्स यहाँ से नहीं पढ़ेंगे, ये हम पढ़ने वाले हैं ई बुलेटिन से टोक्यो ओलंपिक्स ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। टोकिया नहीं है, टोक्यो ओलंपिक्स है, वही पढ़ने वाले हैं, लेकिन वो 2020 में होने वाला था जो कि 2021 में हुआ, ठीक है ना, तो वही पढ़ेंगे, लेकिन हम ई बुलेटिन से पढ़ेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये छोड़ रहे हम, ये पढ़ेंगे, बट हम ये कहाँ से पढ़ेंगे, ई बुलेटिन से पढ़ेंगे। एक और चीज़ है, कपिल देव साहब फर्स्ट चांसलर बने थे, राय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी फर्स्ट ऑफ इस काइंड ऑफ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनी, उसके अंदर राय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी नाम से बनी है वो, उसके फर्स्ट चांसलर यानी हेड बोल सकते हैं आप, ठीक है ना, वो कौन बने हैं, कपिल देव साहब बने हैं, याद रखना तो रख सकते हैं। कुछ लैंग्वेजेस है वो हमको अभी पढ़नी है, प्लीज ध्यान देंगे। अब यही सब चीज़ें तो मैं क्या करूँ, लैंग्वेजेस है, नेशनल सिम्बॉल, अब जो है वही है, तुम इसमें बोलोगे कि सर आप थोड़ा डिटेल में पढ़ाओ, तो भाई कुछ है नहीं ना डिटेल वाला। पूजा निकम, मैं स्लो बोलू, स्लो बोलता हूँ और स्लो। लैंग्वेजेस एंड नेशनल सिम्बॉल्स, फास्ट इसलिए हो गया था मैं इसमें, क्योंकि भाई इसमें कुछ है ही नहीं, टाइम पास है, कुछ मतलब नहीं होता। लैंग्वेजेस एंड सिम्बॉल्स, नेशनल सिम्बॉल्स एंड लैंग्वेजेस, ठीक है ना, ये काय है, तो भाई ये बोल रहे हैं कि आप थोड़ी लैंग्वेजेस के बारे में भी पढ़ लो। तो वर्ल्ड में आज की तारीख में 7111, ठीक है ना, लैंग्वेजेस बोली जाती है, मतलब 7111 लैंग्वेजेस आज की तारीख में वर्ल्ड में बोली जाती है। सर हमको तो दो नहीं आती मुश्किल से, आप इतनी सारी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, सर हमको तो दो भी नहीं बोलने आती होंगी अभी तक। हाँ ठीक है, ठीक है, हमको हिंदी आती है बहुत है, खत्म होगी बात, ठीक है ना। लैंग्वेज आर स्पोकन इन दी वर्ल्ड इंटरेस्टिंगली एंड इंटरेस्टिंगली जस्ट 23 लैंग्वेजेस अकाउंट्स फॉर मोर देन हाफ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। भाई मतलब 7111 लैंग्वेजेस वर्ल्ड लेवल पे बोली जाती है, बट उसमें से सिर्फ और सिर्फ 23 लैंग्वेजेस, ओनली एंड ओनली 23 लैंग्वेजेस जो है वो वर्ल्ड की आधी पॉपुलेशन बोलती है। मतलब भाई हद हो गई, यानी आधी पॉपुलेशन सिर्फ 23 लैंग्वेजेस बोलती है वर्ल्ड की, ठीक है ना, और उसके अलावा बची भी आधी पॉपुलेशन फिर बोलती होंगी 7000 बची भी लैंग्वेजेस, लेकिन वर्ल्ड में जो टोटल लैंग्वेजेस बोली जाती है वो है 7111 लैंग्वेजेस। क्या बात है, मतलब मेरे को नहीं लगता किसी को आती होंगी। उसके बाद आता है लैंग्वेजेस इन इंडिया। अब लैंग्वेजेस इन इंडिया क्या है, तो तुमको सर मालूम है सर इंडिया के अंदर लैंग्वेज सर हिंदी है, हाँ बराबर है, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज कम्युनिकेशन जो होता है, देखो कैसा होता है ना, हमारी कंट्री में दो गवर्नमेंट्स है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जो कि एक ही है दिल्ली में, और एक स्टेट गवर्नमेंट है जो कि हर स्टेट के अंदर है, हर स्टेट की अलग अलग क्या है, स्टेट गवर्नमेंट है। तो बात यहाँ पे क्या होती है ना, जब सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई चीज़ का कम्युनिकेशन करना रहता है पब्लिक के साथ या स्टेट्स के साथ, ठीक है ना, तो वो कम्युनिकेशन कौन सी लैंग्वेज में वो करेंगी। वापस से मैं क्या बता रहा हूँ, सुनना ध्यान से। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पब्लिक के साथ, कोई भी स्टेट्स के साथ जब कम्युनिकेशन करना है,
ठीक है ना। कम्युनिकेशन मतलब उनको कुछ बताना है, कुछ बोलना है, जैसे कोरोना आया था तो उसके अंदर की बातें थी, तो उनको जब बोलना है तो वो कौन सी लैंग्वेज में कम्युनिकेशन करेंगे, जो लेटर्स बना के दिए जाएंगे या कम्युनिकेशन किया जाएगा वो कौन सी लैंग्वेज में कम्युनिकेशन किया जाएगा, ठीक है ना। ये एक चीज हमको समझनी है। दूसरी चीज, जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती है वो स्टेट गवर्नमेंट कौन सी लैंग्वेज में अपने स्टेट के लोगों से कम्युनिकेशन करती है, ये दूसरी चीज पढ़नी है। मतलब अगर महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र वाले अपनी स्टेट में कौन सी लैंग्वेज में कम्युनिकेशन करेंगे अपने लोगों के साथ, ठीक है ना। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, महाराष्ट्र वाले को बिहार वाले के साथ बात करना है या महाराष्ट्र वाले को यूपी वालों के साथ बात करना, तो वो मराठी में नहीं बोल सकते ना, मराठी में कम्युनिकेशन फिर नहीं हो सकता ना महाराष्ट्र का यूपी के साथ या बिहार के साथ या गुजरात के साथ या कर्नाटक के साथ। क्यों? क्योंकि उनको थोड़ी ना मराठी आती है, वो बोलेंगे हम गुजराती में करते। तो बेटर है कि फिर उस केस में क्या रहेगा, तो पहला है सेंट्रल गवर्नमेंट जब कम्युनिकेशन करती है तो कौन सी लैंग्वेज यूज करेंगे, दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट जब कम्युनिकेशन करती है तो कौन सी लैंग्वेज यूज होंगी, और उसके बाद में दो स्टेट गवर्नमेंट आपस में अगर कोई कम्युनिकेशन करना चाहती है तो वो कौन सी लैंग्वेज में कम्युनिकेशन करेंगी, ये बातें यहाँ पे बोली है। ऑफिशियल लैंग्वेज और लैंग्वेजेस ऑफ स्टेट आर्टिकल 345 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 346 एंड 347 लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट मे बाय अडॉप्ट एनी वन और मोर लैंग्वेजेस इन द स्टेट और हिंदी एज द लैंग्वेज। वो जो स्टेट में उनकी लैंग्वेजेस बोली जाती है वो लैंग्वेज यूज करेंगे या वो हिंदी लैंग्वेज को भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, उनके ऊपर है, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे अगर महाराष्ट्र की बात करो तो महाराष्ट्र में मराठी ज्यादा बोली जाती है, तो कम्युनिकेशन की जो लैंग्वेज यहाँ पे यूज होती है महाराष्ट्र में वो मराठी है, ठीक है ना। अब यूपी वगैरह में आप चले जाओगे तो वहाँ पे हिंदी भाषा बहुत ज्यादा बोली जाती है, तो वहाँ पे आपको देखेंगे हिंदी क्या बोलते हैं एज अ कम्युनिकेशन लैंग्वेज। तो या तो आपकी स्टेट में जो लैंग्वेज ज्यादा बोली जाती है वो बोल सकते हो, वो ले सकते हो कम्युनिकेशन के लिए, या आप नहीं कोई तो फिर हिंदी लैंग्वेज आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। फॉर एनी ऑफिशियल पर्पज ऑफ द स्टेट प्रोवाइडेड अंटिल लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय लॉ इंग्लिश लैंग्वेज शैल बी कंटिन्यू टू बी फॉर दोज ऑफिशियल पर्पज विद इन द स्टेट विच हैज बीन इमीडिएटली कंसर्नड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस समय तो उनने क्लियर बोल दिया था कि भाई ये तो तब डिसाइड होगा ना जब हर स्टेट अपना अपने लैंग्वेज डिसाइड करेंगी कि मेरे स्टेट में कौन सी कम्युनिकेशन लैंग्वेज होनी चाहिए, तो या तो वो अपने स्टेट की कोई लैंग्वेज रखेंगे या तो फिर हिंदी रखेंगे। लेकिन उस समय उन्होंने एक चीज़ बात बोल दी थी कि भाई जब तक वो डिसाइड नहीं कर लेते कि हिंदी को लेना है या अपनी स्टेट की कोई लैंग्वेज को लेना है, तब तक इंग्लिश लैंग्वेज जो रहेंगी वो कंटिन्यू रहेंगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था। तो भाई उस तक सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन के पहले तक जो भी लैंग्वेज में कम्युनिकेशन होता था वो इंग्लिश में होता, तो वो सर कॉमन सेंस है, अंग्रेजों का राज था हमारे ऊपर तो वो तो होने ही वाली बात है। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन ऑन वन स्टेट टू अनदर बिटवीन स्टेट एंड यूनियन द लैंग्वेज फॉर द टाइम बीइंग ऑथराइज फॉर यूज ऑफ द यूनियन फॉर ऑफिशियल पर्पज शैल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन स्टेट बिटवीन वन स्टेट एंड अनदर बिटवीन वन स्टेट एंड यूनियन प्रोवाइडेड इफ टू और मोर स्टेट्स एग्री दैट हिंदी लैंग्वेज शुड बी द ऑफिशियल लैंग्वेज। अब दो स्टेट्स अगर आपस में बात करना चाहती है या यूनियन गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट से बात करना चाहती है तो वो हिंदी लैंग्वेज को क्या कर सकती है, यूज कर सकती है। तो उस केस में हिंदी लैंग्वेज वुड बी प्रिफरेबल लैंग्वेज, तो वहां पे हिंदी लैंग्वेज को क्या करा जाएगा, यूज करा जाएगा। क्लियर? तो बहुत सिंपल सी बात है, पहले तो स्टेट अपने लैंग्वेज यूज कर सकती है अपने स्टेट के अंदर, या उसको हिंदी यूज करना है हिंदी कर सकती है, बट अगर नहीं डिसाइड कर पाई तो फिर इंग्लिश लैंग्वेज कंटिन्यू रहेंगी। दूसरा, स्टेट दो स्टेट महाराष्ट्र यूपी आपस में बात करना चाहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आपस में बात करना चाहती है, तो फिर हिंदी लैंग्वेज वो लोग अगर चाहे तो वो लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। बट मेरा हमेशा ये मानना रहता है कि हिंदी इज द बेस्ट लैंग्वेज, मेरी आज की तारीख में अगर सबसे मेरे से आप पूछोगे तो हिंदी ही बेस्ट लैंग्वेज मैं मानता हूँ। ठीक है, कुछ बच्चों को मेरे अगेंस्ट बात करनी रहती है, बट मैं खुद पंजाबी हूँ, मतलब मैं खुद पंजाबी हूँ, सो आई रिस्पेक्ट ऑल्सो पंजाबी, तो बट ऑब्वियस ही बात है मैं हर स्टेट की लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करता हूँ, अपने महाराष्ट्र में रहता हूँ तो महाराष्ट्र की लैंग्वेज की स्टेट रिस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है, लेकिन मेरा ये मानना है कि हमारी कंट्री के अंदर हम लोगों ने हिंदी लैंग्वेज को सबसे टॉप पे रखना चाहिए। जैसे आप चाइना जाओगे तो वहाँ पे ये चीज़ आप पाओगे, अब जापान जाओगे वहाँ पे आप भी अब ये चीज़ पाओगे, ठीक है ना। वहाँ पे इंग्लिश इंग्लिश को इतनी इज्जत नहीं दिया जाती, बट आज के तारीख में तो इंग्लिश वॉज लाइक स्टेटस, इंग्लिश नहीं आती देखो। मेरे साथ अगर किसी ने ऐसा बोला ना भाई, मतलब मैं बता दूँ मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो अपन तो उसके लिए लेते पूरी फिर ऐसे गंदी लेते ना, फिर चाहे वो सामने कोई भी हो, फिर कितना भी बड़ा आदमी हो या कोई कुछ भी हो, स्टूडेंट भी हो, अच्छी ऐसी तैसी करता फिर तुम्हें उनकी, तो अपने को क्या भाई। मतलब वो लोग ऐसा हो जाता अनपढ़ है भाई, तो भाई देख ले डिग्री लगी हुई दो दो बाजू में देख ले, है ना। तो इंग्लिश आना इज नॉट अ सिंबल कि भाई इंग्लिश आ रही है तुमको तो ही तुम टैलेंटेड हो, नहीं भाई, हिंदी अच्छी लैंग्वेज है।
तो अपनी मदर टंग की इज्जत करो, साथ में हिंदी लैंग्वेज की बिल्कुल क्या करो, इज्जत करो। इंग्लिश अंग्रेजों की दी हुई देन है, फालतू की और क्या। ठीक है, अब इंटरनेशनल लेवल पे बोली जाती है इसलिए हमको आनी जरूरी है, बट डेट डजेंट मीन कि इसके बिना जिंदगी नहीं है। जिस दिन इंडिया वालों ने इंग्लिश पूरी तरीके से बैन कर दी और हिंदी लैंग्वेज को टॉप पर रखा ना, पूरा वर्ल्ड अपने को इज्जत देगा हिंदी के लिए। आएंगे सीख के, नहीं तो ट्रांसलेटर लेके आएंगे, अपने को उससे कोई लेना देना। चाइना करता है क्या, जापान करता है क्या? और आज की तारीख में वर्ल्ड को इंडिया की जरूरत है भाई, इतनी पॉपुलेशन है वर्ल्ड इंडिया में कि इनको साबुन तेल भी बेचे ना वर्ल्ड तो वो पैसे कमा के अपना जीवन बिता सकते हैं। ठीक है ना, तो इंडिया को की ज़रूरत वर्ल्ड को है, इंडिया को वर्ल्ड की ज़रूरत अभी इतनी नहीं है जितनी वर्ल्ड को इंडिया की ज़रूरत है। बोल सकता हूँ गर्व से, सर क्यों सर इतनी पॉपुलेशन है साहब, बड़ी बड़ी कंपनीज यही तो बेच रही है ना आके यहाँ पे, उनकी दुकानदारी बंद हो जाएंगे। आज फेसबुक बंद हो जाएगा जितने इंडिया में फेसबुक बैन कर दिया, तो फिर इंस्टाग्राम बैन कर दिया तो इंडिया का इंस्टाग्राम चालू करो। तो रिस्पेक्ट कर जरूर ना, मैं ये नहीं बोल रहा कि हम फॉरेन चीजें यूज नहीं करें, करें, लेकिन हमारी चीजों की रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। ये मांग करे हुए नोट्स मैंने दे चुका हूं भाई, मैं दे चुका हूं, आपको चाहिए तो मैं बोल दूंगा एडमिन भाई को, वो दोबारा भेज देगा। ये मार्क करे हुए नोट मैं दे चुका हूं, क्लियर, ये इसके बाद का कुछ भी नहीं पढ़ना ये। हाँ, अब नेशनल फ्लैग हमारा है, तिरंगा हमारा नेशनल फ्लैग है, आपको ये लगता है मेरे से पढ़ना तो पढ़ सकते हैं कि सर नेशनल फ्लैग इसको बोलते हैं। रुपीस का सिंबल सर ये है, स्टेट एम्बलम सर ये है, पीकॉक हमारा नेशनल बर्ड बर्ड है, ठीक है ना, नेशनल एनिमल हमारा टाइगर है, नेशनल फ्लावर हमारा लोटस है। नहीं नहीं मैं ये पढ़ाता हूँ, ओलंपिक का सिंबल ये है, ये ओलंपिक के अंदर दौड़ लगाई भी जाती है सब उसके सिंबल्स, मैं नहीं पढ़ाता है ये, पहली बोल रहा हूँ। बोल देना सर ने नहीं पढ़ाया, अच्छा नहीं पढ़ाते बोलना सर, ये छोड़ दिए बोलना, नेशनल सिंबल नहीं पढ़ाए, पढ़ाया हाँ, पबजी वॉज वन ऑफ द एग्जाम्पल भाई, पबजी इज एन एग्जाम्पल जो हमारी कंट्री वालों ने सेट किया है। ठीक है ना, तो क्या है ना, जब तक मैं भी देखता हूँ ये चीज, मतलब जब तक हम लोग थोड़ा सा प्यार से लेते हैं ना तो लोग हमको है ये ऐसी चीज़, और जब तुमको आंखें दिखाया जहाँ पे ज़रूरी हो जाता है ना वहाँ पे आंखें दिखाए ना तो चुपचाप वो झुकते हैं। आया ना पबजी अपनी इस पर, क्या पबजी है, मतलब इंडिया वाले ने खेले इसलिए टॉप बना दिया उसको, तुम आके इंडिया वालों की इज्जत नहीं करोगे, इंडिया वालों की अंदर तुम जासूसी करोगे, मजाक चल रहा है क्या, मजाक समझ के रखे होगे तुमने हम लोगों को। आज की तारीख में अगर इंडिया के लोग वर्ल्ड लेवल पे जाके काम ना करें ना तो वर्ल्ड लेवल पे काम नहीं हो सकते, अमेरिका के अंदर टॉप पीपल्स इंडिया के है, ये फैक्ट है। तो खैर, अब कुछ अवार्ड्स है, अवार्ड्स एंड ऑनर से प्लीज ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है तो प्लीज ध्यान देंगे, आई रिक्वेस्ट प्लीज ध्यान देंगे। चलिए, तो अवार्ड्स की बात अगर मैं करूं तो अवार्ड्स जो हमारी कंट्री के अंदर सबसे टॉप अवार्ड है आज की तारीख में, सबसे बड़ा अवार्ड, मतलब ये अवार्ड आपको मिल गया तो हमारी कंट्री का हाईएस्ट अवार्ड मिला आपको, इससे कोई बड़ा अवार्ड नहीं है हमारी कंट्री के अंदर, वो है भारत रत्न। ठीक है ना, हमारी कंट्री के अंदर सबसे टॉप अवार्ड आज की तारीख में है, वो है भारत रत्न। बेसिकली भारत रत्न दिया जाता है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड के नाम से, इट इज अवार्डेड इन रिकॉग्निशन ऑफ एक्सेप्शनल सर्विस परफॉर्मेंस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर इन एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर। आपने कोई भी फील्ड के अंदर, एनी फील्ड, ठीक है ना, आपने कोई भी फील्ड के अंदर एकदम हाईएस्ट ऑर्डर की एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस क्या करी है, सर्विसेज या एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस की सर्विसेज प्रोवाइड करी है, दी है, तो आप भी ये भारत रत्न क्या कर सकते हैं, जीत सकते हैं। 2019 में, मतलब 2019 या उसके पहले प्रणब मुखर्जी को दिया गया था ये, उनकी बाद में तो डेथ हो गई, जो पहले राष्ट्रपति थे। तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है कि भारत रत्न सिर्फ पॉलिटिशियंस या मिलिट्री वाले लोगों इनको ही मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, भारत रत्न इज अ अवार्ड जो बेसिकली कोई भी फील्ड में अगर आप एक्सेप्शनल सर्विसेज अगर क्या कर रहे हो, प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो, चाहे वो क्यों ना किसी की सेवा करना हो या कोई भी फील्ड हो, तो यू कैन ऑल्सो विन दिस भारत रत्न अवार्ड। ठीक है ना, तो आप भी इस देश के लिए ऐसा कुछ काम करो कि आने वाले 20 साल बाद आपको भी क्या मिले, 10 साल बाद या 20 साल बाद आपको भी क्या मिले, भारत रत्न मिले। ठीक है, तो अवार्ड्स के अंदर सबसे टॉप अवार्ड आता है भारत रत्न, उसके बाद एक अवार्ड्स आते हैं, वो आते हैं पद्म अवार्ड्स। ये पैराग्राफ के अंदर यही लिख के दिया हुआ है जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना, उसके बाद आते हैं पद्म अवार्ड्स। तो पहले आते हैं भारत रत्न, दूसरा आता है पद्म अवार्ड्स,
पद्मा अवार्ड्स के अंदर तीन अवार्ड्स आते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। पद्म अवार्ड्स के अंदर तीन अवार्ड्स आते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। क्लियर? तो भाई पद्म विभूषण दिया जाता है फॉर एक्सेप्शनल, वो सेकेंड हाईएस्ट अवार्ड है हमारे यहाँ का, फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस। पद्म भूषण दिया जाता है फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर, और पद्मश्री दिया जाता है फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस। ठीक है ना? तो इस तरीके से ये सेकेंड, थर्ड और फोर्थ नंबर पे हमारे क्या आते हैं, अवार्ड्स आते हैं। तो पेपर में आपको पूछ सकते हैं कि टॉप अवार्ड हमारी कंट्री में भारत रत्न, सेकेंड पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फिर पद्मश्री। इस तरीके से हमारे कंट्री के क्या है, टॉप अवार्ड्स है। ठीक है ना? ये आप देखते रहते हो, बहुत सारे लोगों को पद्मश्री मिलते रहता है, ठीक है ना, पद्म भूषण मिलता है, पद्म विभूषण मिलता है, भारत रत्न मिलता है, मिलता है, ये हर साल मिलता है। ठीक है ना? तो ये हमारी कंट्री के टॉप क्या है, अवार्ड्स है। ये जो लिस्ट दी हुई है अवार्ड्स की, ये दी हुई है 2019 की, उस समय की, कि उस समय भारत रत्न 48 दिए गए थे, पद्म विभूषण 314 दिए गए थे, पद्म भूषण 1271 और पद्मश्री 3123। पद्मश्री बहुत लोगों को मिलता है, पद्म भूषण उससे कम, पद्म भूषण उससे कम और भारत रत्न कुछ चुनिंदा लोगों को मिलता है। और इसके साथ उनको कई सारी फैसिलिटीज भी मिलती है फ्री की, तो वो भी फैसिलिटीज उनके लिए होती है अगर उनको ये अवार्ड्स मिले हैं तो। सिनेमा के अंदर अगर आज की तारीख में सबसे बड़ा अवार्ड कोई है तो वो है दादा साहब फाल्के अवार्ड, अगर आप किसके अंदर बात करते हो, सिनेमा के अंदर। ठीक है ना? वो आपके चलते रहते, वो जो टीवी में आते अवार्ड्स हर, मतलब आजकल तो बहुत बंद हो गए, पहले तो हर देखा मैंने हर महीने एक अवार्ड आता था, अब वो अवार्ड बंद हो गए। लेकिन यस, हमारी कंट्री के अंदर सबसे बड़ा अगर सिनेमा अवार्ड है तो वो है दादा साहब फाल्के अवार्ड। दादा साहब फाल्के कौन है? तो यही है जिसने फिल्म इंडस्ट्री को हमारी कंट्री के अंदर क्या किया था, लॉन्च किया था। ये वही बंदे हैं जिनने फिल्म इंडस्ट्री को हमारे कंट्री के अंदर क्या किया था, लॉन्च किया था। क्लियर? अब इसमें पुराने कुछ अवार्ड दिए हुए, इसमें से एक अवार्ड इंपॉर्टेंट है, किंग ऑफ हमद ऑर्डर ऑफ रिनाइसेंस एंड ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड, मोदी जी को मिला था ये अवार्ड। ठीक है ना? बट ये बात पुरानी हो चुकी है, मोदी जी को ये अवार्ड मिला था, बाकी अवार्ड आपके काम के नहीं है क्योंकि बहुत पुराने हो चुके हैं। देख लो, लिखना है लिख लो, मार्क करना है मार्क कर लो। हाँ, पान मसाला अवार्ड, शहनशाह अवार्ड, भारत में जब तक सिनेमा है तब तक लोग फिल इन द ब्लैंक्स, क्या मतलब है भाई तेरा, नेपो किड्स। अच्छा, ये अभी चालू हो गया इनका अलग, नेपो किड्स, ये किड्स, वो किड्स, अभी जाने दो ना भाई, तुम अपना पढ़ो ना, ये तुम क्या मगजमारी करते रहते हो जीवन में, तुम्हारे पास इतना समय बचता है कि तुम लोग इतनी मगजमारी करते हो जीवन में? मतलब मैं जानना चाहता हूँ आजकल के बच्चों को, सब कुछ काम का नहीं है भाई। नमस्ते ट्रंप हुआ था पहले, क्यों काम का नहीं है वो भी एक्सप्लेन कर देता भाई। नमस्ते ट्रंप हुआ था वो 2020 के स्टार्टिंग में हुआ था, फिर उसके बाद कोरोना आ गया, खत्म होगी बात, ट्रंप भी गया कोरोना भी गया, ये काम का भी नहीं गया, तो इसलिए पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। हाउडी मोडी, हमारे मोदी जी के लिए उन्होंने हाउडी मोडी रखा था, उन्होंने हमारे लिए नमस्ते ट्रंप रखा था फॉरेन डिप्लोमेसी के तहत। ठीक है ना? सॉरी, उन्होंने हाउडी मोडी रखा था, हमने उनके लिए नमस्ते ट्रंप रखा था उसके बाद। ठीक है ना? तो हाउडी मोडी भी हो गया, मोदी जी तो है, बट नमस्ते ट्रंप के बाद ट्रंप जी निपड़ गए। निपड़ गए मतलब जिंदा है, बट ही इज नॉट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, ये सारी चीजें कटवा के हमने करे थे, ये सेल्फ रीड नोट है, नॉट रिलीवेंट, मैं बता दे रहा हूं सिर्फ पहले जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए कि क्या नहीं करना है क्या करना है। ठीक है ना? यहां पे हमारा चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो गया, ये सेल्फ रीड नॉट रिलीवेंट आर्ट और कल्चर। बस अब मेरे को ना थोड़ा सा, मैं अब चैट देखना चालू करूंगा। अब जिसको नेशनल सिंबल नहीं पता ना, वो चुल्लू भर पानी में डूब जाए, मतलब हाथ में ऐसा पानी ले थोड़ा सा और ट्राई करे चुल्लू भर पानी में। ये बात तो संदीप ने बिल्कुल सही बोला, मैं खुद एग्रीड हूँ। ठीक है, भावना अग्रवाल बोलती है, बोले सर क्या निपटाया है आपने, नालायक भावना, निपटाया कुछ नहीं है मैंने, ये पुरानी न्यूज है, ये सब मेरे को ई बुलेटिन तो पढ़ानी है तुम्हारे को डबल से। डेट याद रखना है क्या बुक्स के? नहीं, डेट याद नहीं रखना साहिल हुसैन, नहीं। 13 ब्रिक्स समिट 9 सितंबर, ठीक है भाई सिमरन, थैंक यू बताने के लिए। ट्रंप आया, कोरोना आया, ठीक है ठीक है ठीक है, फालतू की बात, नालायक भावना निपटाया नहीं है ये देखो बता दे रहा हूँ। मेरे को कुछ लोग, कुछ दो चार बच्चे रहते ना सुनमा, उनको ऐसा लगता है सर मेरे भाई ये पढ़ो, ये कहा है, बहुत पुराना है।
ठीक है, 2019 के अवार्ड्स दिए हुए, इसलिए नहीं बताया भाई, नहीं तो मेरे को क्या है ये आर्ट्स कल्चर, ये तो मैं पढ़ाऊंगा अभी आपको यहाँ पे। ये उस समय गुरु नानक जयंती साहब की, गुरु नानक देव जी की 550 बर्थ एनिवर्सरी थी, इसीलिए वो बताना उस समय के लिए ज़रूरी था, बट अभी उसका कोई काम नहीं है। क्लियर? अब मैं आ रहा हूँ अगस्त महीने की बुलेटिन पे। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अब हम क्या क्या पढ़ेंगे, अब हमने मॉड्यूल दो बार पढ़ लिए, ठीक है ना, अब हम क्या क्या पढ़ेंगे मैं आपको समझा देता हूँ। पहले अब हम एक्स्ट्रा की चीज़ें सारी पढ़ेंगे, अब मैं मॉड्यूल के ऊपर ज़्यादा नहीं आऊँगा, ठीक है ना। जितना मैंने मॉड्यूल में पढ़ाया है भाई उतना कर लेना, तो मोर देन इनफ है, मतलब मोर देन इनफ है, उससे ज़्यादा मतलब नहीं है। अब मैं आप लोगों को क्या क्या कराने वाला हूँ, यानी हम अब एक्स्ट्रा करंट अफेयर तो हमारा आज खत्म हो गया, ठीक है ना, अब एक्स्ट्रा हम क्या क्या करने वाले हैं मैं वो आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा सा मेरे साथ प्लीज आप रहेंगे, ठीक है ना। अब मैं आपको क्या क्या इसके आगे हम आगे किस तरीके से हम प्रोसीड करेंगे करंट अफेयर में वो बताना ज़रूरी है, प्लीज़ शांति से सुनेंगे, बाद में फिर बार बार नहीं पूछना। मॉड्यूल हमारा ऑलरेडी हो चुका है डन, ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं ई बुलेटिन्स। ई बुलेटिन के अंदर कंटेंट, कंटेंट बोले तो क्या, कंटेंट यानी इसके अंदर जो एक्स्ट्रा अपडेट्स है, ठीक है ना, वो हम पढ़ते हैं ई बुलेटिन के अंदर। ये ई बुलेटिन हम लोग वैसे तो दो तीन ज़्यादा की कर लेंगे, कम नहीं करेंगे, लेकिन हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये ई बुलेटिन है, ये 4 महीने की, दैट इज़ जुलाई 21, अगस्त 21, सितंबर 21 और अक्टूबर 21 की कुछ पार्ट, मतलब नॉट फुल, और ये आएंगी अराउंड नवंबर में आएंगी ये, ठीक है ना, ये आएंगे नवंबर में, तो इसको मैं थोड़ा सा अभी इग्नोर कर देता हूँ। तो ये दिन बुलेटिन हमारे लिए क्या है, बहुत रिलीवेंट है, आज मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगा, आपने पूरी मॉड्यूल मेरे साथ पढ़े ना अच्छे से, ठीक है, ये एक बात, तो ये भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको एक चीज़ मैं और बताऊँ, तो ई बुलेटिन जो है इसके अंदर MCQs भी गिवन होते हैं, ई बुलेटिन के MCQs। अब लोगों में ये मिसकंसेप्शन हो जाता है कि ई बुलेटिन जो है, प्लीज मैं कुछ और नहीं देख रहा हूं, कोई न्यूज़पेपर वगैरह नहीं पढ़ना है अभी, ठीक है, अभी प्लीज ध्यान देंगे, जो ई बुलेटिन है, कुछ लोगों में ये मिसकंसेप्शन हो जाता है कि जो ई बुलेटिन है, ठीक है ना, उसके जो MCQs है वो MCQs वही वाले हैं जो ई बुलेटिन के कंटेंट दिए हुए, मतलब जो ई बुलेटिन के कंटेंट्स है वो ई बुलेटिन के कंटेंट जो दिए हुए हैं वही वाले क्या है ई बुलेटिन के अंदर MCQ है, मतलब अगर उसके अंदर कंटेंट दिया ओलंपिक का तो जो उसके पीछे MCQ पूछे जाएंगे वो भी ओलंपिक्स के रहेंगे या हमारे मॉड्यूल के कोई MCQ रहेंगे, ऐसा मिसकंसेप्शन बच्चों के अंदर पाया जाता है, ठीक है ना, ऐसा मिसकंसेप्शन बच्चों के अंदर पाया जाता है, जो मैं आपको बहुत डिटेल में क्लियर करना पसंद करूंगा कि भाई ये जो MCQ होते हैं ये एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स होते हैं, दीज आर नॉट MCQs, दीज आर बेसिकली एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स, मतलब आप अगर ई बुलेटिन उठाओगे कोई भी महीने की और ई बुलेटिन उठा के देखोगे, ठीक है ना, मैं कोई भी महीने की ई बुलेटिन उठा लेता हूँ एक बार का, आपको ऐसा लगता है कि अभी मेरे पास अगस्त की ई बुलेटिन खुली हुई है, ठीक है ना, तो अगस्त की ई बुलेटिन में हमने क्या क्या रहेगा, हमारा रहेगा ई रूपी या ओलंपिक विनर्स, इनके बारे में रहेगा। अब आप इसके MCQ जाके देखो, यहाँ पे पीछे MCQ दिए हुए होंगे, इसके करंट अफेयर से रिलेटेड MCQ दिए हुए होंगे, थोड़ा सा समझ लो गाइस प्लीज। तो यहाँ पे आपको देखा, ये कुछ भलते ही क्वेश्चन पूछे रखे हैं, वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट रिफर्बरी जेन बैंक हैज बीन एस्टेब्लिश इन विच नेशन, ठीक है ना, व्हाट वाज द थीम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस डे, अब ऐसा तो कोई बुलेटिन में दिया हुआ नहीं है, ठीक है ना, विच स्टेट होस्टेड इन्वेस्टर समिट ऑन 13th अगस्त 2021। तो फिर अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो इसका मतलब हो गया कि ये जो MCQs गिवन है, दीज आर नॉट MCQs इन बुलेटिन, दीज आर एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स, मतलब इंस्टीट्यूट इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस वो क्वेश्चंस भी। अब वो इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, कहीं से भी कुछ भी होता है वो एक क्वेश्चन उसके ऊपर डाल दिया उसने। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट बोल रहा है कि आप उसका पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ के, बट इंस्टीट्यूट ये तो एक्सपेक्ट करेगा ना कि मैंने अगर ई बुलेटिन में वो चीज़ दी हुई है MCQ के फॉर्म में तो तुमने वो पढ़े हुए, तो हम वो भी पढ़ते हैं।
तो हम ये किस तरीके से पढ़ते हैं? जो ई बुलेटिन के एमसीक्यूज रहते हैं ये हम मैराथॉन्स में भी पढ़ते हैं, और उसके साथ मैं ये चीज आपके बूस्टर्स में भी क्या करता हूँ, आपको करवा के देता हूँ। मतलब आपकी जो मैराथन होंगी ना, वो मैराथॉन्स के अंदर मैं मॉड्यूल का इंपॉर्टेंट पार्ट प्लस ई बुलेटिन का कंटेंट प्लस ई बुलेटिन के प्लस ई बुलेटिन के एमसीक्यूज प्लस सम एक्स्ट्रा अपडेट्स प्लस बजेट्स, इन सब के वन लाइनर्स आपको मैं मैराथन में पढ़ाऊंगा। मतलब मैं किस तरीके से आगे मूव करने वाला हूं मैं बता दे रहा हूं। पहली अभी तक मैंने कभी ये नहीं बताया क्योंकि अभी एग्जाम नहीं थी, ठीक है ना, वन लाइनर्स। अब तुम क्लियर, तो ये सारे मैराथन्स में होंगे। इसके बाद बुलेटिन के और एमसीक्यू, जो बुलेटिन के अंदर का अलग पार्ट है अलग से एमसीक्यूज वाला, वो आपके इसमें होंगे, बूस्टर्स में होंगे। तो ये सारी चीजें हम करने वाले अभी। और अब क्योंकि हमारे पास इंपॉर्टेंट मंथ आ गया, तो ये मंथ में ये सारी चीजें मैं ज्यादा करवाऊंगा, क्योंकि अभी तक सारे अपडेट्स आने के थे ना, अब तो सारे आ चुके, तो कोई दिक्कत नहीं है। आई होप इट इज क्लियर, यस और नो। एंड एक अब मैं आपकी क्या भी रखने वाला हूं, मास्टर क्लास। एक मैं आपकी क्या लेने वाला हूं अभी, मास्टर क्लास है ना। हमारा यहां पे करंट अफेयर्स का कोर्स खत्म हो गया, बट अब ध्यान से सुनना मेरी बात। मैं अब करंट अफेयर की क्या लेने वाला हूं, आपकी मास्टर क्लास, जिसके अंदर मैं वापस से जुलाई 2021, अगस्त 2021, सितंबर 2021 इसकी बुलेटिन्स इन डिटेल आपको पढ़ाऊंगा, प्लस बजट 2021 इन डिटेल फ्रॉम ये, ठीक है, इन डिटेल, थोड़ा जगह कम पड़ जाएंगी, प्लस सम पास्ट मोस्ट रिलेवेंट ई बुलेटिन्स, सम पास्ट मोस्ट रिलेवेंट ई बुलेटिन्स। अभी जो बच्चे कुछ सवाल ये पूछते हैं कि सर इसके पहले के रिलेवेंट नहीं है क्या? अब यार देखो तो ऐसे तो पूरे साल की रिलेवेंट है, बट जुलाई से लेके इसलिए रिलेवेंट बोलता हूँ क्योंकि 3-4 महीने है तो रिसेंट है, ऊपर से आपकी एग्जाम के पास है और जुलाई एग्जाम्स के बाद वही चीज़ें हुई थी, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये वाली। लेकिन यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट जो मैंने ऐड करा कि जो मास्टर क्लास होंगी उसके अंदर हम कुछ पहले की ई बुलेटिन भी हम क्या करेंगे, ठीक है। तो आज हमारी करंट अफेयर्स का कोर्स कंप्लीट होता है यहाँ पे, मतलब हमारा जो ऑफिशियल कोर्स है उसको हम कंप्लीट बोल सकते हैं, बट आप टेंशन मत लो, ये मास्टर क्लास अभी मैं बहुत जल्दी लेने वाला हूँ, मतलब कुछ बहुत जल्दी, मतलब सही में बहुत जल्दी लेने वाला हूँ, ठीक है। तो ये मास्टर क्लास मैं अभी आपको कराऊंगा बहुत जल्दी, उसके अंदर मैं आपको ये अगस्त और सितंबर की बुलेटिन कराऊंगा और जुलाई की, और प्लस सम कुछ पास्ट मोस्ट रिलेवेंट ई बुलेटिन, यहाँ पे दिख नहीं रहूंगा तो ये लिख लो, सम पास्ट कुछ मोस्ट रिलेवेंट ई बुलेटिन प्लस बजट 2021 इन डिटेल। अब मास्टर क्लास भी में बुलेटिन सर और मैराथन में भी बुलेटिन सर, फर्क क्या है? यहां पे अगर आपने देखे होंगे तो मैंने यहां पे क्लियर आपको बताया है कि इट इज इन डिटेल
एक एक वर्ड टू वर्ड, और यहाँ पे इन्हीं डिटेल का क्या रहेगा, वन लाइनर रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हम अभी आपके, आपको चाहिए था फोटो ले सकते हो, बार बार पूछते रहते हो तो आपको चाहिए था फोटो ले सकते हो, तो ये सारी चीज़ें हम अपनी करने वाले हैं। तो ऑफिशियली कोर्स कंप्लीट हो गया, बट ये अभी एक क्लास होंगी आपकी मास्टर क्लास, और मैराथन फिर जब आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद होंगी। तो एक क्लास अपनी होंगी मैराथन, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अभी आप लोगों को ये क्लियर है, तो हम ई बुलेटिन यहाँ पे पढ़ने वाले सारे। मैं अगर स्टार्टिंग में बता देता ना तो तुम लोग वो जो बचा हुआ पार्ट है ना पढ़ते नहीं, मेरे को मालूम थी वो बात। मैं बोल देता ना तो तुम लोग वो बचा हुआ पार्ट पढ़ते नहीं, मेरे को मालूम है तुम लोग नालायक हो, इसलिए मैंने बताया नहीं उसके बारे में कुछ भी स्टार्टिंग में। मैं बोला आखिरी में बताऊंगा, वो भी पढ़वाऊंगा पूरा, पढ़ाऊंगा पूरा, और ये भी। हाँ, उसके बाद क्विज भी होंगे, यस, उसके बाद आखिरी में क्विज भी होंगे, यस होंगे, क्विज भी होंगे। अब बोलो, ये हमारा है आने वाले एक महीने का प्लान पूरा। मैं करंट अफेयर्स की बात कर रहा हूँ, मैं बाकी सब्जेक्ट का कुछ नहीं बोल रहा, मैं मेरे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। तुम तो अभी तक पूछते रहते थे ना मेरे को, सर ये कब वो कब, मैं यार मुझे बताता नहीं था क्योंकि मेरे को मालूम है अभी उस समय बात करने का कोई मतलब नहीं था। अब मजा आएगा ना, क्लियर? हाँ या ना? स्टार्टिंग में बता देते तो सर हमारा आज की छुट्टी हो जाती, दशहरा मना लेते, तो भाई मैं मेरा दशहरा खराब करूंगा ना लायक, तुमको मनाने दूंगा अभी तुम पेपर के टाइम पे, शाम को मनाओ ना दशहरा, अभी दिन में पढ़ाई करो। ये मालूम नहीं अभी डिसलाइक क्यों मारे बच्चों ने, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा भाई, अभी तो तुम्हारे लिए सब कर रहा हूँ मैं, मेरे लिए तो कुछ नहीं है इसमें, तुम्हारे लिए ही है। तो ये सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। इफ़ यू वॉन्ट यू कैन टेक अ फोटो ऑफ दिस, सो बार 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 तुमको ये चीज़ें पूछने की जरूरत ना रहे। भाई कुणाल नालायक, क्या ये बात होगी कुणाल, ऐसा क्या कुछ भी बोल रहे हो, तो मजा आ गया। सो भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास से हम बिजनेस एनवायरनमेंट चालू करने वाले हैं, करंट अफेयर्स हमारा हो चुका है, बुलेटिन जो अब तुम्हारे को मैंने बता दिया कि मैं कहाँ पे लूँगा, एक मास्टर क्लास उसकी अनाउंसमेंट थोड़े दिन में मैं कर दूंगा, दो तीन दिन में, ठीक है ना, वो अनाउंसमेंट मैं कर दूंगा, और वो एक मास्टर क्लास हमारी रहेगी जिसके अंदर हम ये सारे डिटेल में स्टडी करेंगे, क्लियर? एक्स्ट्रा करने की जरूरत है करंट अफेयर्स का कि जितना, भाई इससे ज़्यादा तुमको करना है तो तुम कर सकते हो, वो अभी मैं दूंगा वन लाइनर वगैरह जब बनाऊंगा ना तब दूंगा, तब प्रिंट ले लेना उसका, ठीक है, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच गाइस, बाय 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 बाय। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, इंस्टा पे टैग कर देना। यहाँ पे हमारा करंट अफेयर खत्म, नेक्स्ट क्लास से हम लोग